परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक सर तत्काल चमत्कार का एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब मैंने गुरु वंदना शुरू की, एकाएक लाइन चला गया, ये भगवत कृपा हुई कि गुरु वंदना जैसे ही एक लाइन खत्म किया कि लाइन आ गई। ये सर, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सारे पार्टिसिपेंट को एक सही जानकारी दे रहा हूं। हम लोग जो भी हैं, जहां भी हैं, हमारे इर्द गिर्द कम से कम 20-25 आत्माएं हैं, वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी आती है, इसका फायदा होता है, ये मैं प्रूफ करना चाह रहा था। थैंक यू सर, धन्यवाद। प्रारंभ करें सर, मैं रेडी हूं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नागेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी आर वेरी लक्की कि आप हमको इतना सुंदर गुरु वंदना से शुरू करते हैं। और शर्मिला घोष, शर्मिला कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, शर्मिला मैडम, शर्मिला, शर्मिला आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी क्या? अमनदीप, अमनदीप आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे क्या? मिस्टर सेन, मैडम सेन, मैडम सेन कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? आई मे, ओके, वी वॉन्ट टू लिसन यू ऑल्सो, यू वॉन्ट टू सी यू, ओके। तो अब हम चाहेंगे कि अपना प्रोग्राम शुरू किया जाए और प्रसाद साहब इसकी अनुमति दें और हम लोग आगे बढ़ें। प्रसाद साहब जी, ये औपचारिकता तो हो गई है ऑलरेडी, और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब को उन्हीं का इंतजार है। आप वार्ता शुरू करें डॉक्टर साहब, डॉक्टर उमाशंकर जी। हाँ, डॉक्टर साहब शुरू करें। हर्ष जी भी आ गए हैं, ग्रेट इकोनॉमिस्ट, यंग इकोनॉमिस्ट। हर्ष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो सभी पार्टिसिपेंट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब आपका भी एक दिन रखेंगे। तो डॉक्टर उमा शंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल हमारा लड़का बाहर गया हुआ है, हमारे उमा शंकर जी हमारा फ्लायर वगैरह तैयार अपनी स्टाफ से करवाते हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्पेशल धन्यवाद देना चाहेंगे हम। और हमारा प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है, इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन है। उमा शंकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर शुरू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। जोशी जी आ गए क्या? हाँ जोशी जी आ गए। जोशी जी सादर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, मैं सुन रहा हूँ सर। आप कैसे हैं सर, ये बताइए, सुनना तो एक अपनी जगह है। नहीं सर, मैं आपको देख के अस्वस्थ हो जाता हूँ कभी कभी, तबीयत मेरी गड़बड़ाती है, लेकिन आपसे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। और थैंक यू सर, आप सदैव अच्छे रहे, हमारी हम सबों की यही कामना है, क्योंकि आपसे बहुत ऊर्जा मिलती है हम लोगों को। सर ऐसा हुआ कि अभी कल वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे था, तो अमिताभ सर कह रहे थे कि थोड़ा सा आप कुछ बोलिए। मैं बोलने वाला था इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर, लेकिन कल रेन फॉरेस्ट डे पे जब हमने बात की तो हमें लगा कि रेन फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे हम सभी फिर एक बार बात कर लें। झा जी थोड़ा सा आप वीडियो पे आइए आप। ओके, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैं क्षमा मांग रहा हूँ। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल सर, मैं तुरंत कर दे रहा हूँ सर।
तो सर ऐसा हुआ कि रेन फॉरेस्ट डे, हर्षवर्धन जी, हम लोग सारे डेज मनाते हैं इंडिया में, रिजर्वेशन हो गए, आई मीन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग वेरी कॉन्क्रीट ऑन द एक्शन पार्ट, बट वी आर सेलिब्रेटिंग डेज इन आवर कंट्री, द हिंदी डे, रेन फॉरेस्ट डे, एनवायरमेंट डे, बायोडाइवर्सिटी डे, वुमेन डे, फादर्स डे, मदर्स डे एंड मेनी डेज, वी हैव अ लिस्ट ऑफ डेज. So let me begin. Let me tell you what is a rainforest. Rainforest has certain character. Jha sahab bhi aa gaye. Namaskar Jha sahab, kaise hain aap? Hamare mitra ke attachment hai VN Jha sahab. Namaskar, namaskar. Ji namaskar, kaise hain aap? Theek hai. आप ही को सुनने के लिए बैठा हूँ. सो राइज ऑफ यू, मैं भाटिया से बात कर रहा था आपकी, तो आपको बहुत याद. तो मैं ये खान साहब ये बता रहा था आपको कि रेन फॉरेस्ट क्या है, इसको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, क्योंकि कोई डेफिनेशन ऐसा तो नहीं है. डेफिनेशन तो फॉरेस्ट का इंडिया में ही नहीं है. अगर यू वॉन्ट टू डिफाइन टेक्निकली वॉट इज अ फॉरेस्ट, प्रॉब्लम वी आर नॉट एबल टू टेल यू द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट. And this has benefited many in our country, many industrialists, many business entrepreneurs, those who grabbed forest land in the name of development. So it is only because that we do not have the real definition of forest land. But I would like to tell you the characteristics of the forest, rainforest. Rainforest is found along the equator. इक्वेटर की कल्पना आप करें, पृथ्वी पे ठीक बीचों बीच है, उसके 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ पे ये हमारे जो भी फॉरेस्ट मिलता है, दैट फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज द रेन फॉरेस्ट. द रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आई मीन वी हैव वेरी कैची नेम्स, दैट दिस इज क्रैडल ऑफ डाइवर्सिटी, लंग्स ऑफ अर्थ and many more things. मैं आपको बताऊंगा कैसे. दूसरा characteristics ये है कि ये equator के आसपास होने की वजह से जो sunlight इस पे direct आता है, इसकी वजह से area गर्म होता है. So the second characteristics of this ecosystem is that it is hot. Third characteristics इसका ये है जोशी साहब कि इसमें वर्षा बहुत होती है. वर्षा करीब 80 से 90 सेंटीमीटर इंच पर एनम बारिश होती है, और इस बारिश की वजह से जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट इज समवेयर अराउंड 77-88%. तो ये सारी चीजें मिलकर एक रेन फॉरेस्ट बनाता है. रेन फॉरेस्ट इज अगेन कैरेक्टराइज बाई, इस पे थ्री टायर सिस्टम होता है. झाजी, थ्री टायर सिस्टम का मतलब ये होता है कि टॉप कैनोपी, मिडिल कैनोपी एंड अंडरग्रोथ. एक टिपिकल हेल्दी फॉरेस्ट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जिसमें तीनों टायर आपको मिले, आप मान के चलिए कि वो फॉरेस्ट बड़ा हेल्दी है. अभी अखौरी साहब से बात हो रही थी, वो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी देखने गए थे. दुर्भाग्य से उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है, सौभाग्य से हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, बट दुर्भाग्य हमारा है कि हमारा फॉरेस्ट, वी आर लूजिंग फॉरेस्ट एट अ वेरी वेरी हाई बेस, वेरी हाई रेट इन आवर कंट्री. ये जो हमारा रेन फॉरेस्ट है, ये पूरे वर्ल्ड को रफली 25-30% ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और रफली 250-300 बिलियन मेट्रिक टन CO2 स्टोर किए हुए. बैकग्राउंड में ले लेगा, अगर आप इसे कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन रेट देखेंगे तो दैट रेट इज मच हायर, एंड इट इज समवेयर अराउंड 2.2 बिलियन टन कार्बन पर एनम. सो आप सोच सकते हैं
कि हमारा रेन फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, कि वहां पे ऑक्सीजन कितना है। रफली वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट 30% ऑक्सीजन दे, आप समझ सकते हैं कि उस फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होगा हम सब के लिए। अगर आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन 3 जोन्स में है सर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, और तीसरा इंडो मलय। बहुत सारे कंट्रीज हैं इसमें, मैं क्या नाम ले लूं, नाम बहुत हो जाएगा, लंबा होगा वो लिस्ट, बहुत लंबा होगा। लेकिन आप यूं सोच लें कि जो भी इक्वेटर के आसपास का लैंड है, इक्वेटर के आसपास का जो कंट्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, उन सबों में रेन फॉरेस्ट है। अब आज इसकी स्थिति क्या है जोशी साहब, रफली 34% ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज फिनिश्ड। नॉट लॉन्ग बैक वी हैड 15% ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर आप अर्थ का देख लें तो उसकी 15% रेन फॉरेस्ट हुआ करते हैं, और आज ये सिर्फ 3.8% है पूरे अर्थ में। हमने कितना नुकसान किया, कितना बर्बाद कर दिया, और इसके लिए दोषी हम बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि 72% फॉरेस्ट जो रेन फॉरेस्ट है वो अमेजॉन में पाया जाता है, विच इज जिसमें 9 देश है, और उस 72% का 42% ब्राजील में वो फॉरेस्ट है। अगर आप उस ब्राजील को देखिए, मैंने उसके प्रेसिडेंट को मेल किया, बोलसेरियो उसका नाम था वो पहले, अभी 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 का तो गवर्नमेंट ठीक है, वो तो गजब का पेड़ काट रहा था। और जानते हैं पेड़ क्यों काटता है वो? एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, और पिग्स को बढ़ाने के लिए, इन चीजों के लिए वो कर रहा था। मैंने जब इस पर रिसर्च किया तो देखा कि 2020 में करीब 800 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काट दिया था, और 19 में तो करीब 51% मोर देन दिस वाज फिल्ड। तो 34% जो रेन फॉरेस्ट खत्म हो गया हमारे कंट्री वर्ल्ड का, और 30% जो रेन फॉरेस्ट था वो डिग्रेडेशन डिग्रेडेड हो गया। देखिए डिग्रेडेशन एक ऐसा टेक्निकल चीज है विच इज अगेन नॉट बीन डिफाइंड फॉर द पॉलिटिकल पर्पसेस। डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी इकोसिस्टम का गुड्स एंड सर्विसेज वो डिक्लाइन करे, तब आप मान कर चलिए कि वो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के प्रोसेस में। गुड्स एंड सर्विसेज क्या देता है फॉरेस्ट आपको? ऑक्सीजन देता है। क्या देता है दूसरा? CO2 स्टोर करता है। फिर क्या देता है? वाटर देता है। और क्या देता है वो? तो सॉइल कंजर्व करता है। अब आप सोचिए, हमारे जब सॉइल का कंजर्वेशन ही नहीं होगा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में 23% प्रोडक्टिविटी का जो लॉस है वो सिर्फ सॉइल के डिग्रेडेशन से। अभी एक हाल की घटना बताऊं, केन्या गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इंडिया से एक कौवा क्रो जहाज पर बैठकर चला गया केन्या, और उसने अपनी जनसंख्या इतनी बढ़ा ली, अब वहां के इकोसिस्टम को उसने करीब करीब डीस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया। तब केन्या गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अब ये जो इंडियन क्रोज है इनको मारा जाए, इनकी कलिंग की जाए, क्योंकि
इन क्रोस की वजह से जो छोटे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स थे, फ्लाइज थे, बटरफ्लाइज थे, छोटे बर्ड्स थे, उनकी संख्या कम हो गई। जब उनकी संख्या कम हो गई तो पॉलिनेशन का प्रॉब्लम हुआ, जब पॉलिनेशन का प्रॉब्लम हुआ तो एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हुआ। आपको सुनकर यह भी आश्चर्य होगा, एक फैक्ट है कि इंडिया में भी पॉलिनेटर्स की संख्या कम हो गई। डॉक्टर वी एन झा साहब इस बात को प्रशीट करें, और इसका नतीजा यह हुआ है कि रफली एनुअली कंट्री में 577 यूएस बिलियन डॉलर का नुकसान होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो अब हमारे पास जो बचा वो 36% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बचता है, और उस 36% का भी 45% हर्षवर्धन जी डिग्रेडेशन के स्टेज में है। मतलब यह हो रहा है कि हम फॉरेस्ट प्लांटेशन तो कर रहे हैं लेकिन डिग्रेडेशन नहीं रुक रहा। एक दो लाइन बताऊं आपको इस पे कि ज्यो ज्यो दवाली मर्ज बढ़ता गया, उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष 35 से 40 करोड़ प्लांटेशन एक दिन में करती है, लेकिन पूरे कंट्री में करोड़ों प्लांटेशन होता है फिर भी हम डिग्रेडेशन लैंड का नहीं रोक पाते। इंडिया का जो वेस्टलैंड एटलस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, वो बताता है कि कंट्री में 0.57% के दर से डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि बीमारी कहीं और है, इलाज कहीं और हो रहा है। अभी मैं इंडिया पे आऊंगा, अभी इंडिया को मैं टच नहीं कर रहा हूं, अभी मैं वर्ल्ड लेवल पे जो रेन फॉरेस्ट उसकी बात कर रहा हूं। रफली 50% रेनफॉल वर्ल्ड अक्रॉस ये रेन फॉरेस्ट देता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने एक रिपोर्ट प्रोड्यूस किया और उसने ये कहा सर कि इंडिया में 26% रेनफॉल कम हो गया। नो, 26% ड्राई डेज बढ़ गए हैं और 6% रेनफॉल कम हो गया। अभी हीट वेव्स का असर आप अखौरी साहब देख रहे होंगे, हीट वेव इंडिया में कह रहा था कि गजब ऐसा है, यहाँ पे दिल्ली में लोग इतने मर रहे, लोग काफी मर रहे। हीट वेव एक ऐसा एक्शन है जो कि आपके और हमारे हाथ में नहीं है। और दूसरी बात और बता दूं आप कि जो हीट आइलैंड अर्बन एरियाज में डेवलप हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, और इसकी कारण से वहां का टेम्परेचर 4.1 से 5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से ज्यादा हो हीट आइलैंड की वजह से। और एक व्यक्ति पे डॉक्टर झा, ये WHO की रिपोर्ट है, वो ये कहता है कि एक व्यक्ति पे कम से कम 7 से 9 स्क्वायर मीटर ग्रीन कवर चाहिए। अगर आप घर में 4 लोग रहते हैं तो रफली 30 स्क्वायर मीटर का ग्रीन कवर होना चाहिए आपके घर। हम लोगों के पास ये सब नहीं है कुछ भी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो बना उस एक्ट पे हीट वेव का कहीं नाम ही नहीं है। काम नाम क्यों नहीं है? अगर हीट वेव सरकार ने जानबूझकर इसको रखा, क्योंकि हीट वेव से जितने लोग मरेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना वो एक्ट में कहता है कि अगर इससे कोई आदमी मरता है तो उसका कंपनसेशन 4 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। तो हम बनाए क्यों, हम रखे क्यों? तो टेम्परेचर राइज का कोई कॉम्पोनेंट उसमें है ही नहीं, तो न रही बांस न बचेगी बांसुरी। तो
हम लोग कभी भी कोई भी पॉलिसी बनाते हैं उसका इंप्लीमेंटेशन हम छोड़ देते हैं, वो इट इज डेलिबरेटली नॉट स्ट्रक्चर्ड। हर स्टेट के लिए मैंडेटरी है कि हीट एक्शन प्लान बनाया जाए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंडेटरी है कि हीट एक्शन प्लान बनाया जाए। तो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने एक इस पर रिसर्च की कि हीट एक्शन प्लान कितने 18 स्टेट को उन्होंने लिया। तो कभी मैं इस पे बात करूंगा क्लाइमेट चेंज पे तो उस पे आएगा क्योंकि डाइवर्स हो जाए। दूसरा रेन फॉरेस्ट के बारे में जो सबसे बहुत अहम इंपॉर्टेंट बात है, आप कल्पना करिए कि पिछले 15 से 20 वर्षों में जितना भी CO2 वर्ल्ड ने एमिट किया होगा वो हमारे रेन फॉरेस्ट में आज भी स्टोर्ड है, रफली 300 बिलियन मेट्रिक टन। अगर वो फॉरेस्ट का नुकसान होता है तो आप सोच लीजिए कि वो क्या हो, हम कहां पे होंगे, कौन हमें बचा पाएगा। टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, टेम्परेचर को कोई रोक नहीं सकता। अमेजोन में रफली 40 मिलियन लोग रहते हैं, 40 मिलियन लोग रहते हैं, और अमेजोन वर्ल्ड का 9% मैमल का जो परसेंटेज है, शेयर है, वो अमेजोन में है। 14% बर्ड्स है, 8% एम्फीबिया है, 13% फ्रेश वाटर फिश है एंड 22% बैचलर प्लांट्स है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बायोडाइवर्सिटी रिच है, पूरे वर्ल्ड का 10% से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे रेन फॉरेस्ट में पाए। लेकिन हम लोग कहते तो है कि हम लोग कभी इसके बारे में सोचते नहीं, प्लान भी नहीं करते। उन्होंने बॉलसेरियो को जब उसकी हमने उनके प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी, उसका जवाब उन्होंने एक्नॉलेजमेंट तक नहीं दिया। मैंने कहा कि रेंचेस बनाने की जरूरत क्या है आपको, क्लाइमेट चेंज पे अगर कॉप की वजह से ग्रीन फंड जो आ रहा है, अगर आपके पास ग्रीन फॉरेस्ट है, आपके पास फॉरेस्ट है तो वो कंपनसेट करेगा, कार्बन क्रेडिट के रूप में कंपनसेट करेगा। और किस पंडित जी ने कह दिया आपको कि आप पेड़ काट कर सड़क बना दीजिए, पेड़ काट के आप फ्लाईओवर बना दीजिए, पेड़ काट कर आप मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना दीजिए, टावर्स बना दीजिए। अगर आप बनाते हैं तो क्या इसका नतीजा होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर का आपके पास कोई इलाज नहीं है सर। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो रफली 2 से 3% आपके GDP कम होता है। ये हम नहीं कहते, इकोनॉमिस्ट का असेसमेंट। अभी जब इसकी वजह से रफली 31% हैबिटेट लॉस हुआ है, एनाकोंडा का एक बहुत सारी इंग्लिश पिक्चर अगर आपने कभी पुरानी देखी हुई तो एनाकोंडा में बना था, एनाकोंडा ऑलमोस्ट थ्रेटेंड टू बी एक्सटिंक्ट, 600 वर्टिब्रेट्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, 600 प्लांट स्पीशीज खत्म हो गए हैं। और झा साहब हमसे और आपसे बेहतर कौन समझेगा कि हमने अभी तक तो प्लांट्स को और एनिमल्स को जितने हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे सब को हमने आइडेंटिफाई भी नहीं किया, अब उसके फ्रैक्शन में हम। अभी लास्ट ईयर इंडिया में 664 एनिमल्स वेर एडेड टू द प्लांट एनिमल किंगडम एंड 339 वेर एडेड टू द प्लांट किंगडम। अभी हम लोगों ने काम ही नहीं शुरू किया इधर सीरियसली सर। कौन जानता है कि इन्हीं में शायद कैंसर की कोई दवा निकल रहा है, हमारे जो बायोडायवर्सिटी बायो रिसोर्सेस है कौन जानता है, इनके एल्कलॉइड में हो, इनके जीन्स में हो। हम तो बायोडायवर्सिटी को समझ ही नहीं पा रहे ना। लेकिन फिर भी अभी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 का कहता है कि 69%, ये रिपोर्ट सब हमारा नहीं है सर, सारे या तो इंडिया ने रिपोर्ट जारी किया नहीं तो वर्ल्ड के सारे क्रेडिबल इंस्टीट्यूट्स ने ऑर्गेनाइजेशंस ने जारी किया कि 69% एवरेज लॉस ऑफ अबंडेंस इन मैमल्स हुआ रेन फॉरेस्ट। और जो वर्टिब्रेट्स हैं फ्रेश वाटर में
उनका जो डिक्लाइन है वो 83% है। अब आप सोचिए कि हम लोग कहां पे हैं। अमेजॉन रिवर से जो ट्रिब्यूटरी जा रही है उसका पर डे सर 11 से 13 सेंटीमीटर वाटर लॉस हो रहा है। अब आप ये समझिए कि हम लोग जो रेन फॉरेस्ट को डिवास्टेट कर रहे हैं, रेन फॉरेस्ट का जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता ना सर। अगर कोई साइंटिस्ट, कोई इकोनॉमिस्ट, कोई बॉटनिस्ट, कोई फॉरेस्टर, कोई ब्यूरोक्रेट कहते थे कि हम इस फॉरेस्ट को रिफॉरेस्ट कर देंगे, देर इज अ डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स, देर इज अ डिफरेंस इन प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम टेक्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू बी अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एंड पूरे इकोसिस्टम को हमने समझा भी दिया। हमको ये भी नहीं पता, अब केन्या को क्या पता था कि एक शिप पे जाएगा इंडियन क्रो और पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर देगा, एक एलियन स्पीसीज होगा। अभी मैं फ्रांस में बहुत एक आर्टिकल पढ़ रहा था, नेचर में आया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स ने अपनी साइज कम कर दी है, उनके शेप भी बदल गए हैं और पॉलिनेटर्स ने भी अपने शेप और साइजेस कम किए। कहते तो है ना कि जो चेंजेस हो रहा है वो फिनोटाइप इनटू जीनोटाइप होता है। तो हम लोग बहुत चीजों को आज भी नहीं समझ पा रहे। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दे, दो रिवर्स ऐसे हैं इंडिया में, दो रिवर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लोगों को, कृष्णा रिवर एंड कावेरी रिवर। कृष्णा पे बात कर लेते हैं, कावेरी भी आगे आकर बात करें। लोगों को शिकायत होती है कि पानी नहीं है, पानी आएगा कहां से सर? कृष्णा रिवर का जो कैचमेंट है आज उसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 3% वेजिटेशन है। इसका मतलब यह हुआ कि आप पेड़ काटते जाओ, अच्छा पानी नहीं आएगा तो पानी कौन कहां से ले आओगे आप सर? इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री वेयर वी हैव 2.4% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, वी सपोर्ट 7.8% ऑफ द बायोडायवर्सिटी, supports 18% of population and only 4% of fresh water. And most of the fresh water, roughly 93%, is used in irrigation. ये तो हमारे कंट्री का हाल है सर। One drop more crop, आपने कभी भी झा साहब आप गांव में काम करते हैं, आप किसानों से पूछिए क्या सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, क्या स्प्रिंकलर दे रही है, क्या पानी बचाने के तरीके दे रही है वो? रफली पंजाब में एक हेक्टेयर पे 30,000 रुपए का सब्सिडी है और एक हेक्टेयर में 5 मेट्रिक टन कार्बन एमिट करता है एक हेक्टेयर। क्या हमको वहां पे क्रॉप चेंज करने की जरूरत नहीं है? पानी सबसे एक्सपेंसिव कमोडिटी है और हम एक्सपोर्ट करते हैं चावल के फॉर्म में, राइस के फॉर्म में। तो जहां पे काम करना है वहां पे तो काम हो ही नहीं रहा सर। आपको पानी कंजर्व करने की जरूरत है, वहां तो कंजर्व कर ही नहीं रहे। अब इंडिया में जो रेन फॉरेस्ट है वो आपको मैं बताऊं, जो इंडिया में रेन फॉरेस्ट है वो कहां कहां है। एक सबसे पहले नाम बता दूं मैं आपको, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब एक दिन पता नहीं सरकार को ये कैसे समझ आ गया कि अंडमान में निकोबार आइलैंड को करीब 286 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को डेवलप किया जाए और उसमें क्या क्या चीज बनाया जाए सर? वो उसको सिंगापुर बनाना चाहते हैं और सिंगापुर बनाने के चक्कर में 20 लाख पेड़ काट रहे हैं, उसमें एयरपोर्ट बना रहे हैं, वाटर पोर्ट बना रहे हैं और उसमें सिटी डेवलप कर रहे हैं। ये वही जगह है जब सुनामी आया था 2004 में और ये वही फॉरेस्ट जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है
झा साहब आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, ये वही मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि हमारे पास जैसे कि बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी खड़ी होती है, उसको हम सिक्योरिटी पोस्ट कहते हैं, आउटर पोस्ट कहते हैं इंडिया का, जहाँ पे जिससे कोई अंदर नहीं घुस सकता, ये वही मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो हमारा सिक्योरिटी पोस्ट है। कोई भी सुनामी आ जाएगा आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आज भी जो ओशन का जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, वाटर टेम्परेचर, आप रोक नहीं पाएंगे सर, चाहे अरेबियन सी का हो चाहे वो बे ऑफ बंगाल का हो, आएगा ही, आप काट के देख लो, आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो जाएगा, नेचर बदला लेती है, आपको समझना पड़ेगा कि हमें कहां पे क्या चीज बनाना है। और अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप चले जाएंगे। मैंने अंडमान निकोबार आइलैंड में जब ये काम हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी को और नीति आयोग को चिट्ठी लिखी, हमें कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिखी कि काइंडली ट्रीट दिस लेटर एज अ पीस ऑफ प्यार। मैंने उनको कहा कि आप इतने पेड़ जो काट रहे, कौन कौन सी प्रजाति है जो काट रहे हो और किस किस डायमीटर क्लास के पेड़ है वो काट रहे हो। उनका एक लाइन पहले तो जवाब नहीं दिया, फिर जवाब देते हैं कि फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मैं नीति आयोग में रह चुका था, मैं वहां पे डायरेक्टर था, मेरा जो सबॉर्डिनेट था वो एडवाइजर हो चुका था उस समय, मतलब अभी 2 साल पहले की बात। मैंने फोन लगाया उसको, फोन किया, हमने कहा यार देखो आरटीआई भी तो मिल ले रहा है, अगर तू थोड़ा बता दे। बोला नहीं सर मुझे नौकरी नहीं खोनी है, मैं बता दे सर। अब सर अगर इस तरह से होगा, अगर आप अपनी इच्छा से करोगे तो कर लो, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। बड़े बड़े राजा आए चले गए, आपके पास स्थिति तो वही होती है, या तो आप इतिहास में नाम अपना अमर करके ले जाइए। और जो समझ नहीं पा रहे हैं इकोसिस्टम के नतीजे को, वो बाद में पछताएंगे सर। अभी एक रिपोर्ट आया, वो यूके की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट यूके बेस्ड है, यूटिलिटी बीडर, वो क्या कहता है कि 2000 लास्ट 30 इयर्स में 668,400 ऑफ ह्यूमिड फॉरेस्ट, आप ह्यूमिड फॉरेस्ट की बात समझिए सर, ह्यूमिड फॉरेस्ट हैज बीन लॉस्ट। मे आई जस्ट टेल यू दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो पब्लिशेस अ बायनरी रिपोर्ट ऑन फॉरेस्ट कॉल्ड ISFR, India State of Forest Report. The latest report which we have had is of 2021. एक साल पीछे चल रही है, समय से छाप नहीं है। अब अगला रिपोर्ट अभी आने वाला है, maybe in a couple of months. मिनिस्ट्री में सबमिट कर दिया। रिपोर्ट कह रही है कि the Indian forest is growing. The total green cover of India is 24.56%. And we are growing at the rate of 0.57%. I just would like to urge upon my friends here that how come this is possible? When as a forester I go out to the field, I see forests declining. When any one of you go to the forest, you will find that the forest is declining. How come the report is saying that we are growing? The same report, when I researched, went into the detail, what I found? I found that 66.6% of the states in our country have sown or have declined in very dense forest and moderately dense forest. What we are saying that we are growing
the forest green cover is going up because of the plantation. Again, my dear friends, I told you that there is a difference in plantation and forest. How come the forest grow? When in the last report of the government of India, the Indian forest has lost 51 million metric ton of carbon. How can this grow when the wetland areas have declined to the level of 35.49%? How come this can grow when the growing stock has declined by 20.93%? सब कुछ तो आपके सारे पैरामीटर्स तो नीचे जा रहे हैं सर, और आप कह रहे ग्रो कर, बिकॉज वी ऑलवेज लाइक टू सेलेक्ट द फ्यू वर्ड्स विच आर कैची एंड प्रोजेक्टेड टू द वर्ल्ड दैट लुक आवर ग्रीन कवर इज ग्रोइंग अप. अब आप अमेरिका में बैठे हो, बाइडेन थोड़ी समझ रहा है कि भैया ग्रीन कवर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा. तो बोला यस यस, इंडिया इज डूइंग वेरी वेल, द ग्रीन कवर इज गोइंग अप, कंग्रेचुलेशन. इसका वही नतीजा हुआ झा साहब कि आपके घर के कमरे तो तोड़ दिए गए पीछे, लेकिन बाहर बिहार में जिसे कहते ओसारा या एक बरामदा बना दिया गया, और हमने कहा घर में बढ़ोतरी हो गई, 100 स्क्वायर फीट हमने नया घर बना लिया. वी हैव अनदर रिपोर्ट विच इज कॉल्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट, एंड द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड इन 2024. आई मीन रिसेंट रिपोर्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिपोर्ट विच इज वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर्स बैक. व्हाट डज दिस रिपोर्ट से? दिस रिपोर्ट सेज दैट in between 2000 and 2023 the humid forest has declined, the humid forest of India has declined to the level of 6%. And if the cutoff year is from 2022 to 2023, then this decline comes to 4.1%. And India has lost 51 million metric ton of carbon. This is also a factor. The maximum loss, this report also says, the year in which we lost maximum number of trees. The maximum loss was the year 2017, when we had lost to the tune of 189,000 hectares of forest. Followed by 2016, when we had lost 175,000 hectares of forest land, and again in 2023, when we had lost 144,000 of trees. And the decline or the reduction, I mean 62% reduction took place in 6 states. They are Assam and other northeastern states. Assam lost to the tune of 324,000 of green forest. This is called the rainforest areas in between 2001 and 2023. And you never know what is happening. We are just not looking at forest fire. The forest fire causes forest loss to the tune of 1.6%. In the period of 2001 to 2022. And in the year 2008, this has the forest to the tune of 3,000 hectares was lost because of the forest. And abhi 22 mein kareeb 238 hectare humne kiya. Abhi aap dekhiye na, agar aap paper padhte honge to aapne dekha hoga ki Himachal Pradesh, Uttarakhand, kahan kahan forest fire lage hue hain. Up, you just take any name and the forest fire is there. Harshvardhan ji, eminent economist, ek report aayi thi Financial Times mein aur Government of India ki bhi report ki agar ek saal mein
फॉरेस्ट फायर करीब 1100 करोड़ रुपए का नुकसान करता है एसेट्स का। तो जब मैं देख रहा था, मैंने इसको थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल स्कीम है वो 50 करोड़ रुपए देती है, उसमें स्टेट शेयर भी होता है और सेंट्रल का भी शेयर होता है, और उस 50 करोड़ का 24% रिमेंस अनस्पेंट, वो खर्च ही नहीं होता। वो खर्च इसलिए नहीं होता है कि कभी कभी सेंटर अपना शेयर नहीं देता, कभी स्टेट अपना शेयर नहीं देता। मतलब फॉरेस्ट कोई इंपॉर्टेंट जगह नहीं है जिसके लिए कि लोगों को चिंता करनी चाहिए। और जो लोग ग्रामीण परिवेश के हैं, जिन्होंने गांव को करीब से देखा है, एक रिपोर्ट अभी 24 में फिर आ गई, वो ये रिपोर्ट कहती है कि 2018 से 22 के बीच में 5 मिलियन ट्रीज ऑन फार्मलैंड इन इंडिया हैज बीन कट डाउन। तो सर इसके अलावा अब एक दो चीज और मैं बताऊंगा, 10 मिनट का और समय आपसे लेता हूं क्योंकि 8 बजने जा रहा है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करूंगा। नॉर्थ ईस्ट में तो मैंने बताया कि जो स्थिति है, रफली नॉर्थ ईस्ट हमारा रेन फॉरेस्ट का एरिया है, अच्छे काम के लिए होता है, एंड टोटल अगर आप देखें तो जो फॉरेस्ट कवर नॉर्थ ईस्ट का है वो 64.66 है, और 8 जो राज्य हैं, लेकिन सिर्फ उसमें फेलिंग की वजह से सिर्फ अब 10.95% ही ज्योग्राफिकल एरिया का ऐसा है जिसमें कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है, बाकी सारे फॉरेस्ट हो गए खत्म। और अभी लास्ट साइकिल में, मतलब 2019 से लेकर 21 के बीच में 1020 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट काट दिया गया। अब हम लोग फॉरेस्ट हमको पता भी नहीं होता ना सर। दूसरी बात ये भी है कि बहुत लोग सेंसिटाइज नहीं है, अरे फॉरेस्ट है चला गया, पेड़ कटा है तो क्या दिक्कत है सर, कटने दीजिए, उसका असर लोगों को मालूम नहीं होता। अब लोगों को पानी की दिक्कत शुरू हो गई है, पॉलिनेशन की दिक्कत शुरू हो गई है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम आ गया है, बाढ़ की दिक्कत अब आने वाली है, सब कुछ अब आ जाएगा, तब अचानक उनको लगेगा कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। अभी एक मित्र ने मुझे नोएडा से फोन किया, दिल्ली से फोन किया कि यार बहुत यहाँ पर तो हमारे सेक्टर में बड़ी गर्मी है। हमने पूछा पेड़ की क्या स्थिति, यार पेड़ तो यहाँ पर बस जो सड़क के किनारे हैं। हमने कहा तुम्हारे घर में कितने लोग, बोला हमारे घर में 7-8 लोग। अगर आप देख लीजिए एक आदमी के ऊपर 9 स्क्वायर मीटर पर भी अगर ग्रीन कवर हो तो जाकर वो बात बनती है, लेकिन वो भी तो नहीं है। तो जब आप परेशान हो जाएंगे तब आपको दिक्कत आएगी। अब हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्यों हमेशा, चूंकि मैं इसलिए बात करता हूं कि मुझे दिल में पीड़ा होती है। अब मैं कुछ एक केस स्टडी बता देता हूं, उसके बाद खत्म करूंगा, दो या तीन। एक दिबांग शहर है, दिबांग नाम है शहर का, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे एक अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट ला रही है, उसका नाम है दिबांग हाइड्रो प्रोजेक्ट। और उसमें यह कहा जा रहा है उस दिबांग का कि वो 3097 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। अच्छी बात है सर, बिजली तो पैदा होना चाहिए, बिजली के बिना आप कैसे रह सकते हैं। नागेश जी भी कहेंगे कि अरे बिजली तो होना चाहिए, अब देखिए क्या होना चाहिए। वो जहां पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वहां पे 7 साल में 35 बार अर्थक्वेक आ चुका है, और रिक्टर स्केल उसका 3 से 4 का है। जो इंक्लाइन है उसका पहाड़ का वो 45 डिग्री के आसपास होगा, और इसमें पेड़ जो कटेंगे पूरे प्रोजेक्ट में वो करीब 3 लाख पेड़ कटेंगे। और उसमें 2 रिवर्स के ऊपर वो बना रहे हैं, अमिताभ जी आप सुनिए, ड्राई एंड टैंगोन रिवर। टैंगोन रिवर की ऊंचाई उन्होंने 80 मीटर रखी है और ड्राई रिवर की ऊंचाई उन्होंने 120 मीटर रखी है।
इसको रफली सर 300 ग्लेशियर्स 300-300 ग्लेशियर्स फीड करते हैं। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो देखा कि ये वहां के जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है कि बाय द ईयर 2050, अब बचा क्या, हम 2024 पे चल रहे हैं, 24 साल और ये ग्लेशियर सूख जाएंगे, मतलब पानी देना बंद कर देंगे, मतलब पानी देना बंद कर देंगे इसका मतलब होगा इस नदी में पानी नहीं है। जब नदी में पानी नहीं रहेगा तो ये डैम क्यों बना रहे हो सर, और अगर पानी अभी भी है तो वैसे एरिया में क्यों बना रहे हो जो कि सिस्मिक एरिया है, क्योंकि वहां से 265 लोगों को हटाया है और वहां का जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें आपको बता दूं कि 6 डिफरेंट कलर एशियन कैट्स जो कि वापस नहीं आने वाले, रिवर्स नेक हॉर्नबिल है जो वापस नहीं आएगा, वो बहुत रेयर है। उसके बाद 75 मैमल्स हैं, 300 बर्ड्स टाइप है और जेनेटिकली डिस्टिंक्ट टाइगर्स। ये 3.9 मिलियन US डॉलर इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट। बस एक एग्जांपल और दूंगा, एग्जांपल्स बहुत है सर लेकिन एक एग्जांपल देकर मैं समाप्त करता हूं। दूसरा है कोडगू। जैसे मैं कह रहा था ना अभी महेश्वरी साहब को कि हम लोग कितने कमजोर होंगे, हम अधिकारी हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, एकदम नहीं होती। अभी 2019 में जब पुलवामा हुआ था उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी वो एक बियर ग्रिल नाम का एक व्यक्ति है जो कि मैन वर्सेस वाइल्ड में काम करता है, तो प्रधानमंत्री जी की शूटिंग कर रहा था, तो प्रधानमंत्री जी गए जिम कॉर्बेट पार्क, तो उन्होंने कहा कि भाई इस पे आप टाइगर सफारी क्यों नहीं बनाते। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और उनका सजेशन था कि इस पे सफारी आप बनाए। किसी अधिकारी ने नहीं कहा कि नहीं सर ये संभव नहीं है, नेशनल पार्क में सफारी नहीं बनता। सभी अधिकारी ने कहा कि नहीं नहीं अरे बन जाएगा सर, आपने कहा बिल्कुल बना देंगे, और काम शुरू कर दिया। 10,000 पेड़ काट दिए, साल के पेड़ थे सर। एक भला हो उस बंदे का, गौरव बंसल नाम का एक व्यक्ति, उसने PIL किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में टेक अप कर, और उसके बाद सभी अधिकारियों को, किसी को जेल, कोई सस्पेंड, ऐसे नहीं। तो मैं बस अब अंतिम कहना चाह रहा था आपको कि अगर इन बातों को वो प्रधानमंत्री जी को बता ही देते कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है सर, ये संभव नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी इंसिस्ट नहीं करते कि नहीं नहीं आप ठीक है आप करिए, ऐसा नहीं कहते। अब लास्ट एग्जांपल है कोडगू का, वेस्टर्न घाट भी आपका रेन फॉरेस्ट है। कोडगू एक जिला है कर्नाटका में जो कि हिल स्टेशन कह सकते हैं आप, 1750 मीटर उसकी सी लेवल से ऊंचाई है, टेम्परेचर काफी अच्छा रहता है, तो काफी अमीर लोग जाते हैं वहां पे, लोगों ने अपना घर बना रखा है, कुछ लोगों ने फार्म हाउस बना लिया है, कुछ होटल्स आ गए हैं, आजकल होता है। अब जहां पे 1% लोगों के पास 73% रिसोर्सेस होगा वो क्या करेंगे, वो यही तो पैसा खर्च करेंगे, एसेट मार्केट में पैसा जा रहा है, जॉब वो जनरेट करते नहीं। अगर आप देखिएगा तो जो प्राइवेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो एक प्रॉक्सी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, वो कम है, वो वहीं पे स्टेबल हो गया सर। तब उन लोगों ने जब घर और बना लिया, अब वहां पे पॉपुलेशन करीब 10 लाख के आसपास है और 25% पॉपुलेशन वहां का मलयाली है, केरलाइट कहते हैं, और ये कंट्री में 43% कॉफी का मार्केट शेयर है इस शहर। तो वो चाह रहे थे कि दो, एक रेलवे लाइन जो केरला कोडगू और उसके बाद फिर दिल्ली और आगे कहीं भी आप जोड़िए, तो दो रेलवे लाइन उन लोगों ने पास कराया, अप्रूवल दिया। ठीक है रेलवे लाइन तो बनना चाहिए,
विकास हो रहा है, विकास विकसित भारत तो है ही अपना, लेकिन उस की वजह से करीब 5 लाख पेड़ काट दिए, बड़ा हल्ला हुआ। मुख्यमंत्री जी बोले अरे इतना एजुकेशन है, हमें भी जाना चाहिए, मैं भी देखूंगा। तो हर जिले में एक पुलिस लाइन होता है झांसा, जहां पे कि कोई वीवीआईपी आता है तो उसका हेलीकॉप्टर चॉपर वहां रोका जाता है। तो जो मुख्यमंत्री ने कहा ना हम तो वहां पे नहीं जाए, हम तो साइट पे ही लैंड करें, तो उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए 100 पेड़ और काट दिया, और वो 70% कैचमेंट एरिया है कावेरी के पानी के लिए। अब कावेरी में देख लीजिएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक में अब पानी नहीं है, वहां पर लड़ाई होती है। तो इस तरह सर फॉरेस्ट की समझ नहीं है। मैं बार बार लोगों को कहता हूं, मैं जहां भी जाता हूं तो लोगों को कहता हूं कि मतलब फॉरेस्ट हमें नहीं चाहता, फॉरेस्ट को मेरी जरूरत नहीं है, हमको फॉरेस्ट की जरूरत है, वी नीड फॉर आवर सर्वाइवल। आज नहीं सर, लेकिन आने वाले मेरे लाइफ टाइम के बाद फॉरेस्ट का महत्व बढ़ेगा, लोग समझेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं रेन फॉरेस्ट पे खत्म करना चाहूंगा। अगर सर कोई भी प्रश्न करना चाहे तो स्वागत है। मैं जानता हूं जोशी साहब जरूर हमसे कुछ सवाल करेंगे। उमा शंकर जी, मैं प्रश्न नहीं करूंगा सर, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति रखी और सारी सच सच बातों को बता दिया। तो सर मैं भी केवल आपके बहुत सार गर्भित भाषण में मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आई नेवर बॉदर फॉर द प्रॉब्लम, आई एम शेयरिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द इश्यूज रेज्ड बाय यू। नंबर वन, हमारे वेदों में लिखा हुआ है सर, इस संसार में कोई भी पौधा और कोई भी आदमी या जानवर, जो बोलिए एनिमल किंगडम बोलिए, प्लांट किंगडम बोलिए, वो जो इस पृथ्वी पर आया है उसकी वैल्यू है, वो किसी मकसद से आया है। और कोई भी अदरवाइज कोई भी पौधा या कोई भी एनिमल बेकार नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आपने जो अंडमान निकोबार के बारे में कहा, ये मैं इस हाउस में बोलने में डर भी लगता है, फिर भी शेयर कर रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए आज नहीं तो कल चाइना हांगकांग को हड़पेगा बाय दिस वे और दैट वे। उसी के अल्टरनेटिव में पूरे हांगकांग का इंफ्रास्ट्रक्चर आके अंडमान निकोबार के उसी एरिया में सेटल होगा। ये बहुत ही गोपनीय है, भारतीय रहस्य है। मैं बोल रहा हूं, हमें अब लोग पूछते हैं कैसे मालूम हुआ, कौन बताया, ये सब चीज वो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो अंडमान निकोबार को सिंगापुर नहीं बनाना है, आप उसको कह सकते हैं हांगकांग की सारी जो बिजनेस है वो अंडमान निकोबार में शिफ्ट करनी है। उसका मकसद यही है, चाहे इसको स्पष्ट रूप में कह दूं या बोल्डली कह दूं, अपना देश भी सुपर पावर बनने की होड़ में है, लेकिन इसको खुल के नहीं कहा जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हम लोग विस्तारवादी नीति से नहीं चल रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेस हैं उसी से चल रहे हैं। नंबर दो। नंबर तीन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो डैम बन रहा है सर, उसका स्ट्रेटेजिकली पर्पस है चाइना की बदमाशी को काउंटर करना। चाइना जो डैम बना रहा है उसी को काउंटर, ये मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, गहरा बिना गहराई में गए, उसको काउंटर करने के लिए ही बना रहा है चाइना। आपका लद्दाख और तिब्बत को जो हथियाए हुए है, उसका सबसे बड़ा एकदम जो बोलते हैं कोर इशू जो है, पूरे संसार का फ्रेश वाटर रिजर्व
लद्दाख और तिब्बत में ही है सर। चाइना इसीलिए उसको हथियाना चाहता है, और मैं भविष्यवाणी अपने दोस्तों में किया था, अब जो नैन्सी पवेला आई थी इंडिया, दलाई लामा से मिली है, अब अमेरिका चाइना को पिन चुभाना शुरू कर दिया है। और देर या अंधेर नहीं है सर, मैं फिर सीरियसली कह रहा हूं, पीओके को मैं पीओके नहीं बोलता हूं, पीओजेएनके बोलता हूं, अक्साई चीन और तिब्बत भारत का होने जा रहा है। ये कब होगा, हो सकता है हम लोग जिंदा रहते हो जाए, या देर हो या अंधेर हो, लेकिन डीप स्टेट इसके पीछे पड़ गया है। चाइना को अब तिब्बत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने गंदे ढंग से ऑक्यूपाई किया था। एनीवे, अभी हर चीज में देर लगती है, इसको जो जियोपॉलिटिक्स है, जो जियोपॉलिटिक्स है वो एक अलग इशू है। तो मैं हर चीज को मैं टिप ऑफ द आइसबर्ग ऐसा खाली प्रस्तुत कर दे रहा हूं। अगला पॉइंट, हमारे इंडिया में जितना डेजर्ट है सर, डेजर्ट एरिया को हम आराम से फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें कहीं विदेश नहीं जाना पड़ेगा। कार में लाइट जल रहा है, जाकर उसको चेक करो। और आपको हैरत होगी सर कि अपने देश को चाइना से ही सीखना पड़ेगा। और चाइना में क्या हो रहा है सर, कि वो लोग खरगोश पाल रहे हैं लाखों लाख। सर जी वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला छोड़ दीजिए, आगे बात करिए। वो मैं फॉरेस्ट का मैं 35 साल नौकरी किया सर। अच्छा, हाँ 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 सर। तो मतलब हम लोग अपने डेजर्ट को फॉरेस्ट में कन्वर्ट धीरे धीरे कर सकते हैं सर, उस पर मतलब रिसर्च हो, प्रयास हो, क्योंकि जो काम हो रहा है सर वो इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो यही कुछ बातें कहनी थी, मैं और लोगों को भी मौका देना चाहता हूँ। मैं थैंक यू सर। मैं पहले मैं आपकी बात को अब चूंकि आपने कहा है तो मैं कह दूं, ऐसा है कि मैं पूर्णतः सहमत हूँ सारी बातों से। कारण उसका है कि दो दो तीन कारण। पहला, मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, तो मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आई एम प्रीवी टू दैट एंड आई नो कि वहाँ पे कैसे हो रहा है, क्योंकि फाइनेंस एक बड़ा नोडल मिनिस्ट्री होता है जहाँ पर सारी चीज़ें आती हैं। नंबर वन। नंबर टू कि चाइना जैसे वो डर दिखा के कि चाइना ये कर रहा वो कर रहा, उससे नहीं हो सकता। चाइना से हमें कोई भी कहीं पर भी चाइना हमें अमेरिका हमें मैं फॉरन पॉलिसी को भी फॉलो करता हूँ, अमेरिका हमें आउटर पोस्ट की तरफ यूज कर रहा है, इंडिया को कर रहा है वो, ठीक है वो करेगा, उसका नुकसान हम हमारी सरकार और हम जनता झेलेंगे। अमेरिका अपना पॉलिटिक्स कर रहा है चूंकि साउथ चाइना सी के ऊपर उसका उसकी नज़र है और उसके रिसोर्सेज पे नज़र, एक दूसरी बात तो ये है। तीसरी बात ये है, अगर आप अंडमान को अगर आप स्ट्रेटेजिक रीजन से डेवलप करना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप वहाँ पे आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट को डेवलप करिए, लेकिन वहाँ पे आपको सिटी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे 20 लाख पेड़ काट के उसको रिजनरेट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, और किसी कंट्री ने नहीं किया। और हांगकांग चाइना का एक पार्ट है, और अब चाइना का पार्ट वहां का पहले से जब शुरुआत हैंडओवर ब्रिटिश ने किया था उस समय दिक्कत थी, लेकिन अब चाइना पूरा का पूरा एसिमिलेट कर लिया। हांगकांग इशू नहीं है, वो मेन इशू मेन लड़ाई अमेरिका और चाइना की, और इंडिया बीच पे उसका एक मोहरा बना हुआ है और वो बना रहे। और हम अभी आप डैम की बात कर रहे हैं, इंडिया मैंने एक लेक्चर दिया था, शायद अगर इजाजत देंगे तो मैं फिर लेक्चर दूंगा, कि लार्जर डैम्स चाइना ने ऐसा बना लिया है, दो बॉम्ब है जो दो कंट्रीज के पास है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक बॉम्ब, एक यूएस के पास है, दूसरा चाइना के पास है। वो बिना एक गोली दागे हुए आपका पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट और बिहार तक बर्बाद कर दे। हमारे पास चाइना से लड़ने की क्षमता अभी नहीं, बाद में होगी तो होगी। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ कि वेदों तक में वेद में जो लिखा होगा, जिस ऋषि महर्षि ने लिखा होगा कि सभी कॉम्पोनेंट की जरूरत है इकोसिस्टम में, मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे चीज़ों से असहमत हूँ वहाँ पे, इस वजह से क्योंकि वो एक अलग
इस सेशन में हम बात नहीं कर सकते, कभी फॉरेन अमिताभ जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कभी अगर फॉरेन सर्विस के किसी आदमी को बुला ले तो मैं भी फॉलो करता हूँ फॉरेन पॉलिसीज को, तो उससे बात होगी। हाँ उमेश जी बताएं सर, आप कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छा और बड़ा मतलब थॉट प्रोवोकिंग आज आपका लेक्चर रहा कि इतने हमारे फॉरेस्ट है, फॉरेस्टी जो है हमारी लाइफ है और किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को ये हमको प्रोटेक्ट करती है। तो सर ये है कि जैसे मैं आपके इंसिडेंट नरेट करूँगा कि एक बार मैं त्रिपुरा स्टेट गया था तो वहाँ पे जो एक डॉक्टर डी के शर्मा साहब, वो बेसिकली रहने वाले हैं देहरादून के, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर थे, वो सेंट्रल में भी जॉइंट सेक्रेटरी पंचायत राज रह चुके थे, तो वो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया था। तो उसके बाद मैंने उस एरिया में फॉरेस्ट का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था वो भी देखा और बहुत अच्छे फॉरेस्ट हमको वहाँ पे दिखाई दिए। उसके बाद फिर उन्हीं के मतलब एडवाइस पे मैं वहाँ पे एक पुलिस एकेडमी है, नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी, वो शिलोंग में है, तो वहाँ गया। उन्होंने मेरी व्यवस्था की कि मैं चेरापूंजी जाके देखूँ वहाँ पे क्या क्लाइमेट है और किस तरह के फॉरेस्ट है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब मैं वहाँ पे विजिट मैंने वहाँ पे किया सर, तो और मैंने वहाँ पे देखा कि बारिश भी अक्सर हो जाती, कभी भी हो जाती उस एरिया में, हालांकि चेरापूंजी भी अब हाईएस्ट रेनफॉल का एरिया नहीं रहा, वो चेंज शिफ्ट हो चुका है। तो वहाँ पे जब हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर लेते हैं और फॉरेस्ट वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो जाती है यूपी के अंदर, आदमी तो वही हैं, इंडियंस वहाँ पर भी हैं यहाँ पर भी हैं, तो इतना वास्ट चेंज क्यों है? और उत्तर प्रदेश सरकार क्या जो मेजर्स आज आपने बताए उनको लेने के लिए, या जो आपने सिचुएशन बताई कि किस तरह से फॉरेस्ट कवर ख़त्म हो रहा है उसके लिए क्या मेजर्स कर रही है? तो दो सवाल हो गए सर, एक तो ये है कि वहाँ पे फॉरेस्ट अच्छा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं और इंडियंस दोनों तरफ हैं, और दूसरा सवाल ये था कि सरकार क्या मेजर्स ले रही है या एनजीओ क्या मेजर्स ले रही है ताकि फॉरेस्ट को हम वास्तव में बचाएं, कागज पे नहीं। ओवर टू राइट सर। उमेश जी, एक पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यूपी में हम नहीं बचा सकते, मतलब लेट मी टेल यू वेरी ब्लंटली, क्योंकि हमारे पास 6-7% यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, ज़्यादातर हम सोशल फॉरेस्ट्री वाले स्कीम्स पे हैं जो सड़क के किनारे, नहर के किनारे और स्कूल के इस पे हम लगाते हैं, हमारे जो तराई वाले एरिया जो फॉरेस्ट हैं जिसमें कि हम फॉरेस्ट का काम करते हैं। हर साल पिछले साल करिए अगर मुझे ठीक ठाक याद है तो 34 करोड़ पौधे लगाए थे, उसके पहले मतलब मुझे अगर वो ठीक ठाक याद आ रहा है तो 2006-7 से करोड़ों पे एक दिन में पौधे लगाने की बात हम लोगों ने शुरू की। अगर वो सारे पेड़ जिंदा होते उमेश जी तो आज हजरतगंज पेड़ों के जंगल के बीच में होता, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो हो रही है। मतलब प्राइमरीली अगर इसको आप देखें, डॉक्टर नब्ज पकड़ के देख लेगा कि हाँ गड़बड़ी तो कहीं है। अगर हर साल आप बेयर मिनिमम 6 करोड़ से लेकर 30 करोड़ पौधे तक आप हर साल लगा रहे हैं, वो पौधे जा कहाँ रहे हैं सर? एक बात, दूसरी बात, तीसरी बात ये है, पौधे जब हम लगाते हैं तो उस पे अब इन लोगों ने ये कर दिया है कि GPS कॉलरिंग लगाना शुरू कर दिया। मतलब अगर आप देखेंगे तो वो पेड़ कहाँ पे लगा है वो GPS कॉलर से मालूम होगा, लेकिन वो पेड़ जिंदा है नहीं, बढ़ रहा है नहीं, ये कैसे मालूम होगा? जी ये तो नहीं मालूम हो सकता ना सर। चौथी बात कि इस पे हम कह रहे हैं ना, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन आर नॉट स्ट्रक्चर्ड एंड दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। पौधा लगाने का पैसा हमको दे रहे हो आप, लेकिन उसकी मेंटेनेंस का पैसा नहीं मिलता। आप ये भी नहीं पूछते हो कि वो जमीन कहां से आ रही है जहां पे पौधा लगा रहे हो। अरे बाप बता तो दो मुझे, पिछले साल अगर आपने 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगते हैं बाय लाइन, अब आप 34 करोड़ पौधे लगा रहे हो, कितने हेक्टेयर मल्टीप्लाई कर ले आप, डिवाइड कर ले तो हेक्टेयर मालूम हो जाएगा। अगर बैठा हुआ ऊपर का मुख्यमंत्री ये पूछ ले कि भाई आप हमें ये बता दो, अब इन लोगों ने कि भाई थर्ड पार्टी ऑडिटिंग होगी उसकी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग में उन्होंने क्या कहा कि उनको किसको देंगे,
तो टेरी वालों को देंगे, जो पहले टाटा एनर्जी रिसर्च था ना, फिर उसके बाद एनर्जी रिसर्च हो गया। अब टेरी वालों के पास, उनको भी पैसा चाहिए सर। अब उन्होंने 10 आदमी ले लिए, अब उन्होंने 10 आदमी इधर उधर से हार किया और बाकी आउटसोर्स कर दिया यूपी में ही। और यूपी में आउटसोर्स किसको किया, वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ही किया, मतलब रेंजर अब बिलो अप ऊपर वाले लोगों को। अब उन लोग गए फील्ड में, अब वहां का जो नीचे का स्टाफ है रेंज ऑफिसर वहां का लोकल, उससे बात हुई, बोला यार इसमें तो सर्वाइवल हमें 1% दिखाई पड़ा, यार नौकरी हमारी चली जाएगी, चलो कुछ पैसे ले लो। तो हाँ बोला ठीक है, लाख रुपए का डील हुआ या 5 लाख रुपए का डील हुए, वो अगर उसका सर्वाइवल रेट 3% है तो 40% या 60% दिखाने में क्या है सर, मॉनिटरिंग करने वाला व्यक्ति सेफ है। बोलेगा देखिए मैंने 3 जून को तो मॉनिटरिंग की थी, 3 जून को वो स्थिति थी, अब 6 जून को है कि नहीं हमें क्या पता। तो ये सर करप्शन का एक बड़ा खेला है। अब दूसरी बात एक और मैं बता दूं क्या होता है, इसको कोई जांच नहीं करेगा। मैंने बार बार इस बात को लिखा भी, मैं विभाग में बड़ा अनपॉपुलर इस वजह से देना कि ये काम मैंने साहब मुख्यमंत्री जी को कहा, मैंने सबको कहा कि ये करोड़ पौधे का बिजनेस बहुत ही मतलब पैसा कमाने का बिजनेस है, बेकार है। अब आइए एक झा साहब को मैं बता दूं जो चाइना और इंडिया को बहुत ये कर रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने महाराष्ट्र को 6,000 करोड़ दिया है। वहां इशू क्या होता है, जो भी महाराष्ट्र जानता होगा वो महाराष्ट्र में बरसात के दिनों में बारिश बहुत आती है। अब आप पूछेंगे आपके पास इंफॉर्मेशन कहां से, मेरे पास इंफॉर्मेशन मेरे मित्रों ने दी जो अभी कार्यरत है, 6,000 करोड़ रुपए दिए, पिछले साल का 3,000, इस साल का 3,000, पैसा दिसंबर में ही रिलीज कर दिया गया। काम क्या था कि जो वहां पे बाढ़ के पानी की वजह से जो ओवरहेड वायर्स थे बिजली वाले, वो सब बंद हो जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मुंबई तो भाई एक ऐसी जगह है ना जोशी जी की, फाइनेंशियल कैपिटल है, अगर आपके पास 2 घंटा भी इंटरनेट बंद हो गया, बैंकिंग सिस्टम बंद हो गया, तो बहुत नुकसान होता है, करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है। तो उसको अंडरग्राउंड करना था 6,000 करोड़। अब देखिए वहां पे 3 व्हीलर की सरकार है, मतलब 3 आदमी, अब नाम हमसे मत पूछिएगा, सरकार में 3 आदमी है, 3 आदमी है। तो उन तीनों ने पहले वहां पे 3% पे डिसीजन होता था कि भाई काम किया और आप 3% दे दिया, सबों काम खत्म हो गया। अब सबों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया 3% हमारा दो, अलग अलग। अब तो 3 सरकार हो गई, 9% हो गए। अब 3 एक केंद्र का भी आदमी मालवीय उसका नाम है, वो बोलता है कि हमको भी 3 तो 12% हो गए। तो जो ठेकेदार था वो बोला कि सर इतने परसेंट पे तो हम काम नहीं करा पाएंगे। तो जो एक चक्का था उस 3 पहिए का महाराष्ट्र में, उसने कहा कि तुम रेट बढ़ा दो, अंडरग्राउंड पाइप का जो रेट है वो बढ़ा दो। बोला सर वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हम आपके 3 जगह काम कर रहे हैं, वहां 20 रुपए मीटर हम तार का कॉस्ट लिए हुए हैं आपसे, अगर हम बढ़ा देंगे तो हम तो जेल चले जाएंगे कभी अगर कोई जांच हो गई। तो सर ये स्थिति है, ये सारी बातें बाहर नहीं आती। अब आप पूछते हो बार बार सर, आप पूछते हो कि ऐसा क्यों होता है, अब ये तो होता है सर, हो रहा है। हम लोग तो कांग्रेस, हम लोग तो सर भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके हैं, अब भ्रष्टाचार में बात नहीं होती हमारे, क्योंकि हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं। भ्रष्टाचार ऑलवेज विपक्ष के साथ जाता है। लेकिन सर तो ये गलत है, ये मैं देखिए ये तो ऐसी बात हो गई कि मर्ज ऐसा हो गया कि वो कैंसरस हो गया, वो ठीक होने वाला नहीं, उन्हें सर्जरी चाहिए सर, इसमें सर्जरी चाहिए पूरा। जैसे अगर आपका हाथ में कैंसर है तो हाथ काट दो, गर्दन है तो गर्दन भी काट दो, दूसरा आदमी को जिंदा करो, उसको काम करो। सर इसका इसका तो क्रेडिट जो है या डिसक्रेडिट जो भी कहें, आप जैसे ऑफिसर्स पे जाता है, आपके कैडर पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो कि 3 ही सर्विसेज है सेंट्रल, चाहे IAS ले लो, चाहे IPS ले लो, IFS ले लो, अब जब ये सुप्रीम सर्विसेज हैं, मतलब ये माना जाता है कि इसमें जो लोग बैठे हैं वो एक ऐसे लोग हैं जिनकी की इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं किया सकता, या जिनके मतलब जो कि अब जैसे कहना चाहिए कि 3 स्तंभ हैं हमारे, एक तो नेता हो गए सर, दूसरे आप लोग हो गए एग्जीक्यूटिव, और तो तीसरा हम कहते हैं लॉ वाले जो जज, जुडिशरी कह दें। तो इस अगर 2 स्तंभ का हाल तो आप जानते ही हैं सर,
लेकिन ये तीसरा स्तंभ जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, तो इन लोगों ये लोग अगर मतलब बिना स्पाइन के हो गए तो देश तो खत्म हो जाएगा अभी। एक एग्जांपल बता दो, 2004 के बाद पेंशन सिस्टम नहीं है जो जी आप जानते होंगे। जी हाँ, 2004 में वाजपेयी जी ने खत्म कर दिया था। हाँ सर। तो एक प्रोफेशनल मेरे पास, एक आईएएस प्रोफेशनल, हम लोगों के साथ आईएएस प्रोफेशनल जोड़े जाते हैं, आईएफएस भी जोड़े जाते हैं पुलिस वाले भी, जी एक महीने अटैच रहिए और इनसे काम सीखिए, फील्ड में यही तरीका होता है ट्रेनिंग का। तो वो आया तो उसके नाम चर्चे बड़े थे कि भैया बड़ा पैसा लेना शुरू कर दिया। तो हम मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था, चाय कॉफी पे हम लोग बात कर रहे थे, हमने कहा यार अभी क्यों शुरू कर दिया आपने ये सब, आपके बड़े नाम खराब हो रहा। बोलता है सर देखिए आपको तो पेंशन मिलेगा। हम बोले हाँ हमको मिलेगा। अब बोलता हमें तो नहीं मिलेगा सर, तो हमको तो अभी से जमा करना पड़ेगा। तो सर है ये कारण है सर, लेकिन सर बड़ा मतलब सैड ही। हाँ खान साहब कुछ आप। जी जी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। दूसरा ये सर कि देखिए जैसे कि आज आपके ये अभी जो मेडिकल के एग्जाम का पेपर लीक हो गया, और जबकि उसमें एक आईएएस था, एक आईएएस को उन्होंने हटा दिया, अब दूसरे ले आए वो, तो क्या जो इलाज कर रहे हैं वो इलाज सही है या फॉरेस्ट? नहीं नहीं सर, सही नहीं है सर, होता जा रहा है, सही नहीं है, एकदम नहीं है सर। एक वहां पे प्रदीप जोशी नाम का आदमी है, वो सबसे पहले 2006 में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनता है, 3 साल रहता है, 9 में चला आता है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनता है। उसकी सिफारिश करने वाले एक विनोद जी होते हैं, आरएसएस के वो वहां के प्रचारक होते हैं। उसके बाद फिर यूपीएससी का भी चेयरमैन बनता है, और यूपीएससी का चेयरमैन बनने के बाद ये सब आरटीआई से सूचना मिली है। उसके बाद फिर उसको वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक है ना, क्या नाटा या क्या है जो अभी जिसका चेयरमैन है वो, अब सर उसका चेयरमैन उसको बना दिया गया है। जिसके ऊपर शिकायत है उसी को जांच करने को कहा जा रहा है, अब प्रदीप जोशी जांच अधिकारी बने हुए हैं। तो सर कैसे करोगे सर, आप इसको कैसे करोगे? आपको सर कहीं ना कहीं सर्जरी करनी पड़ेगी ना सर इसको। सर सर तो यहाँ पर एक और, एक और डायमेंशन है सर, मैं ये कहूंगा सर कि 33% वन बहुत जरूरी है, और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा कहना चाहिए, अगर ये नेशन हो तो नेशन बनने लायक है, तो ये 6 या 7% फॉरेस्ट कवर लेके क्या इसके कुछ नहीं कर पाएंगे सर। अब आप सुनिए इसकी दूसरी कहानी। एक राजीव प्रताप रूडी है, झा साहब जानते होंगे, उनके मित्र हैं और भाजपा के सांसद है, उनको मंत्री नहीं बनाया तो उन्होंने वो सरकार के खिलाफ प्रश्न करना शुरू कर दिया। तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया कि अभी तक पिछले 5 साल में 19 से 22 के बीच में कितने पेड़ काटे हैं आपने। अब भाई एक सांसद सवाल कर रहा है तो जवाब दो गया, तो जवाब आया कि 1,21,00,000 पिछले 5 साल में पेड़ कटे हैं। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि कितने ऐसे फॉरेस्ट लैंड हैं जिसको कि आपने डाइवर्ट किया है दूसरे एक्टिविटीज के लिए, तो उस पर उन्होंने कहा कि 1,35,00,000 हेक्टेयर, नहीं 1,35,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट कर दिया। अब सर कैपिटल ही आपके पास नहीं रहेगा जोशी जी, जी कैपिटल का मतलब फॉरेस्ट लैंड ही नहीं रहेगा, आप प्लांटेशन कहां करोगे सर? मतलब तो उन्होंने क्या किया, इस सरकार ने 2023 अमेंडमेंट एक्ट लाया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। उन्होंने फॉरेस्ट की डेफिनेशन बदल दी। जैसे ही डेफिनेशन बदला जोशी जी, 28% फॉरेस्ट इंडिया का, 28% फॉरेस्ट अडानी के हाथ तो चला जाएगा, या अंबानी के हाथ चला जाएगा, या किसी आदमी नथुराम यादव के हाथ चला जाएगा। मैंने एक पीआईएल किया इसको, वैसे मुझे जुडिशियरी से बड़ी श्रद्धा नहीं है, लेकिन मैं किस्मत वाला था कि सीजीआई के कोर्ट में 3 लोगों का था और वहां पे वो गए, उस वहीं पे गया मेरा मामला और उन्होंने इसको स्टेट डाउन कर दिया। तो कम से कम मैं आज ये कह सकता हूँ कि 28% फॉरेस्ट एरिया मैंने बचा लिया। अब 13 जुलाई को इंटरिम जजमेंट है, 13 जुलाई को फिर और होगा। तो सर हम सीरियस नहीं है, हम देखिए सर भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके, इसलिए अब इसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं सर बड़ा मतलब इसे सीरियस मैटर कि हाँ, जिसे मैटर हुआ सर्वाइवल ना, यहाँ पे
हमको फॉरेस्ट ही बचाएगा। अगर आप लखनऊ में से कुकरेल का इलाका देख लीजिए, आरडीएसओ का इलाका, अरे बड़ी बात कर दी सर वहाँ पे, आप एक अच्छी बात कर दी। कुकरेल में मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, कारण है कुकरेल में 22,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है, ठीक सर। मेरे वाले पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजमेंट दिया कि किसी भी जू को आप रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है सर। और अगर आप शिफ्ट करेंगे तो मुझसे अनुमति लेंगे, चीफ सीजीआई ने कह दिया। लखनऊ जू आपने देखा होगा, शहर के ठीक बीचों बीच है, वो वाजिद अली शाह ट्रस्ट के जमीन पे है, उस पर नजर बिल्डर्स की है। अब वो वहां से आदेश हो गया कि अब इस जू को शिफ्ट किया जाएगा कुकरेल। अब कुकरेल में जब शिफ्ट करोगे सर आप, तो उन्होंने सड़क चौड़ीकरण के नाम पे करीब 2,000 पेड़ काट रहे हैं। अब कुकरेल में जो पेड़ बचा हुआ था, जैसे चारधाम यात्रा वाला जो सड़क था ना, नागेश जी को मैं बता दूं कि रवि चोपड़ा कमेटी ने कहा था कि सिर्फ 5 मीटर चौड़ी सड़क आप करिए, काम हो जाएगा। उन्होंने माना नहीं, उन्होंने इससे काम नहीं होगा, 15 मीटर चौड़ी सड़क करी और 50,000 पेड़ काट दिए। नतीजा ये हुआ कि जोशी मठ सिंग करने लगा। जोशी जी, हमको क्या मतलब जोशी मठ से? लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं तो वहां मरे, सड़क बन गया, पैसा हमको लेना था, हम कमा के चले आए। लोगों की चिंता कहां हो रही है सर? तो मेरे कहने का पॉइंट ये होता है जोशी जी कि फॉरेस्ट के बारे में कोई भी सीरियस नहीं है, कोई भी कतई भी कहीं भी सीरियस नहीं है। अभी एक उन्होंने बैकडोर से एक रूल दिया जिसको ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं। वो क्रेडिट पॉलिसी में क्या है, जब देखा कि अब ये तो फॉरेस्ट वाला बदल दिया है, तो अगर मान लीजिए कि अडानी साहब हमारे फॉरेस्ट का लैंड लेते हैं अपने काम के लिए, तो उनको कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में उतना ही इक्विवेलेंट जमीन देना पड़ता था और उससे डबल प्लांटेशन करना पड़ता था या पैसा देना पड़ता था। अब उन्होंने कहा नहीं, हम आप ही को पैसा दे देंगे, आप अपने जमीन पे कर लीजिए। देखिए क्या फायदा हुआ कि उनको जमीन अब देना नहीं पड़ेगा, वो बच गए। ऐसे मदद होती है सर, ऐसे मदद होती है। मेरा ये कहना आपसे ये कि आपने देखा होगा सर, त्रिपुरा में, मिजोरम में, नागालैंड में, शिलोंग में, मेघालय में और इवन आसाम में, इतना जो बढ़िया फॉरेस्ट है, इसका ये बचा क्यों रहा है? इंडियंस तो वहां पर भी है ना सर। एक चीज मैं बताऊंगा, वो भी नहीं बचा रहेगा, जो डिक्लाइन जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट आ रहा है उसे डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन अब उनके पास इतना ज्यादा है। अब मान लीजिए 65% फॉरेस्ट कवर है, अब उसको 30% लाते लाते तो समय लगाओगे ना। चलिए सर, मान ली सर आपकी बात, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। बट वी हैव टू टेक लॉट ऑफ द हार्ड मेजर। यस सर, वी हैव टू टेक द टफेस्ट, वी हैव टू टेक द टफेस्ट मेजर। थैंक यू सर। अगर 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 आप नहीं लेंगे, बस लास्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं एक कंट्री है गैबोन, उसमें दो गांव है, मेवोट 1 और 2। अभी झा साहब कह रहे थे कि वो चाइना का है, चाइना का सर है उसको, हमको हमको सर। वहां पे क्या हुआ कि एक आदमी 20-21 लोग ऐसे बैठे हुए थे, उन लोगों ने कहा कि आज इनको शिकार करने जाना है। शिकार करके चिंपैंजी को लाया, बनाया, काटा, खाया और दूसरे दिन 27 लोगों में से 21 लोग मर गए। कैसे मरे? क्योंकि इबोला वायरस उस जानवर के अंदर था। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ ऐसे होते हैं जिनके अंदर वायरस होता है, हमको पता नहीं होता है और हम उनके इकोसिस्टम को खत्म कर रहे हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगा? वो शहरों में आ रहा है। आप देखिएगा शहरों में बंदर की बहुत बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है बंदर का। अब उस बंदर में कौन सा वायरस है, अगर कोई वेट मार्केट में उसको खाएगा तो हमको बहुत सारे कोविड है झेलने, अभी से बहुत सारे कोविड है। भाई सर, बंदर को चने खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, क्या ये बहुत गलत करते हैं सर? बहुत गलत करते हैं। आप जू में जाते हैं, जानवर को खिलाते हैं, आप चिड़ियों को उनको ये देते हैं, आप उनको मार रहे हो, उनका इकोसिस्टम है सर। अगर उनको खाना आपके घर के पास मिलेगा तो वो आपके घर के पास रहेंगे, वो वैसे जगह नहीं जाएंगे जो उनका इकोसिस्टम है। कुत्ते को देते हैं खाना, आप मत दो सर। आप क्या करते हैं, जब आप खाना देते हैं आप कुछ डिजीज तो खुद इनवाइट करते हो और कुछ डिजीज आप उस एनिमल को भी देते हो।
थ्रू एयर। आप लोग इसको बड़ा तो बोलते हैं कि नहीं हमारे वेदों में है कि ये करो जानवर को खिलाओ, बड़ा तारीफ लेते हैं और वीडियो पोस्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि हमने बंदर को खाना खिलाया, केला बांटे। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, एकदम ना करो, एकदम ना करो उन चीजों को। वो नेचर है, इकोसिस्टम के पॉलिसी, इकोसिस्टम के प्रिंसिपल पे वो काम करता है। आप डार्विन बेवकूफ पागल नहीं था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहता है, वो वही सर्वाइव करेगा जो फिटेस्ट होगा, वो जाएगा इकोसिस्टम में वापस, बाकी मरेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। थैंक यू वेरी मच सर, फॉर योर वेलकम सर, थैंक यू। अच्छा सर एक बात बताइए, अंडमान निकोबार को ये हांगकांग बनाने की बात, जैसे एक आदमी उमा शंकर सिंह जी कन्विंस करते हैं तो कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता कि इससे पर्यावरण का बहुत नुकसान होगा, वहां बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे, पेड़ और काट देंगे, उसको सिंगापुर मत बनाइए। इससे अभी के लेक्चर से हम लोग कन्विंस हो गए, लेकिन आपकी तरह और भी बहुत पॉजिटिव थिंकर होंगे तो किसके दिमाग में ये बात आता है कि हम इसको पेड़ काट करके यहाँ पे ये हांगकांग बनाएं और मतलब यहाँ के फॉरेस्ट को खत्म कर दें, और फिर आप लोगों के बात से लोग कन्विंस क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपके आर्गुमेंट में, आपके उसमें इतना ताकत है कि वो किसी भी पॉजिटिव आदमी, किसी भी आदमी को बदलने में मतलब एक घंटे में ही आप लोगों ने अपने हम लोग का, जब जब आप आते हैं कुछ कुछ ऐसा इशू बता देते हैं और उस पर सोचने को हम लोग बाध्य हो जाते हैं। ये क्यों नहीं आप लोगों की बात ये लोग सुनते हैं, और उसके अलावा मतलब नेचर के अगेंस्ट जाने का हिम्मत कैसे करने लगते हैं जबकि इसका खाली नुकसान ही है और लाभ की बात कुछ है ही नहीं, तो इसमें मतलब क्या अमिताभ जी, इसका उत्तर मुझे भी नहीं मालूम है, क्यों नहीं सुनते हैं। अब क्या करूं, प्रयास कर रहा हूं, अब जहां तक संभव होगा करता रहूंगा। हर्षवर्धन जी आप कुछ सवाल करना चाहेंगे सर, आपकी बड़ी तारीफ अमिताभ बच्चन अमिताभ जी करते हैं। हाँ हर्ष जी तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अभय कृष्ण जी, हर्ष जी बोलिए, हर्ष जी आप क्या इनपुट देना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। सर वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू सर? I'm fine, sir. Sir, my question was related to the carbon. May I request you to kindly come on to video, please, sir? Yeah, sure, sir. Sir, I was asking about the carbon credit or carbon trading. ये इसका impact हमारे देश पर कैसे पड़ सकता है? Just simple and clear. Right, sir. Thanks for asking me. Please, थोड़ा वीडियो पे रहिए सर, यू आर सच अ वंडरफुल हैंडसम लुकिंग मैन, आई लव टू सी यू एंड आंसर यू। सर ऐसा है, पहला अभी तक तो कार्बन क्रेडिट का मार्केट हमारे स्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है, नंबर वन। नंबर टू, अमिताभ जी थोड़ा बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए क्योंकि आवाज आ रही है। हाँ यस यस। और दूसरी बात हर्षवर्धन जी, आपको एक फॉरेस्ट है, मान लीजिए एक फॉरेस्ट में 50 स्पीशीज है, 50 स्पीशीज, आप इस बात को जानते हैं कि हर स्पीशीज का जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा, ये वाजिब है। हर्षवर्धन जी रात के मान लीजिए कि 10 घंटे पढ़ सकते हैं, मैं 2 ही घंटा पढ़ सकता हूँ, अपना पोटेंशियल होता है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हमको सारे स्पीसीज का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का पोटेंशियल मालूम हो, नंबर वन, फॉरेस्ट एरिया में मालूम हो, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में, उसके नेटिव इकोसिस्टम में मालूम हो, और अगर उसको हम बाहर प्लांटेड एरिया में लगाते हैं तब हमको मालूम हो, दो बात। तीसरी बात, सॉइल में हमारा कार्बन कितना है यह भी मालूम हो। चौथी बात कि कितना हम डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, और अगर फॉरेस्ट को आप काट के दरवाजे और खिड़की बना लेते हैं तब तक तो उसमें कार्बन लॉक रहता है।
नुकसान होता है, लेकिन जब डीके करेगा तो नुकसान होगा, लेकिन जैसे आप जलाते हैं तो वो CO2 में एमिट कर, CO2 का एमिशन होगा। तो जब तक ये डेटा हर्षवर्धन जी आपके पास नहीं आता है, आप कार्बन क्रेडिट उसका पोटेंशियल क्या है, उस इकोसिस्टम में कितना कार्बन क्रेडिट आ रहा है, जनरेट कर रहा है, यही नहीं मालूम है आपको, नंबर वन। अब जो बेसिक इशू है, खरीदने वाला कौन होगा, कोई तो बायर चाहिए ना सर, और बायर के लिए एक मीडियम चाहिए, या तो कोई एक आपका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, या तो फिर गवर्नमेंट फोर्स करे कि भैया अंबानी सर आपने 400 हेक्टेयर फॉरेस्ट पे अपना कोई इंडस्ट्री लगाया है और इससे इतना कार्बन एमिट हुआ है या होता, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता तो ये होता, अब इतना है तो आप ये सारा क्रेडिट खरीदिए और उतना पैसा आप दीजिए। तो वो सब अभी सर ग्रे एरिया में है हर्षवर्धन जी, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है पता, हमको कुछ भी नहीं पता। अभी क्या कर रहे हैं, IPCC का 2002 का एक मॉडल है, उस मॉडल में बायोसिस्टम का कहते हैं कि जो बायोमास है उसका 50% आपका कार्बन होगा। अब हमारे पास उस स्पीसीज का रूट्स का कार्बन ही नहीं मालूम है, तो या तो हम कम ले रहे हैं पैसा आपसे, अगर स्वीडन का कोई व्यापारी खरीदना चाह रहा है तो हमसे कम पैसा मुझसे ले रहे हैं, हमारा नुकसान है। बट ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जिसपे कि आपको देर सवेर कार्बन टैक्स लगाना पड़ेगा। कार्बन टैक्स आपको इसलिए लगाना पड़ेगा कि अगर हमारे पास फॉरेस्ट है और आप अगर फॉरेस्ट इस्तेमाल करते हो, देखिए वेलफेयर स्टेट हम है सर, नियमता तो हमको फ्री होना चाहिए, लेकिन अब इसकी संख्या इतनी कम हो गई ना, अब आपके पास फॉरेस्ट, अब आपके बच्चों के बच्चे तो खाली किताब में देखेंगे फॉरेस्ट कि देख लो ये नैनीताल का फॉरेस्ट होता था। नैनीताल में आजकल सर हर्षवर्धन भाई AC चल रहा, अब वहां पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब फॉरेस्ट तो खत्म हो रहा। तो हमको जब तक इन चीजों का एक बेसलाइन डेटा नहीं होगा और उस पर एक हम सभी आप जैसे लोगों से मिलकर बात नहीं कर रहे हैं कैसे क्रेडिट हम बनाए, कैसे बेचे, कहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज होगा, कैसे होगा, तब तक कुछ नहीं कह सकते, अभी बड़े ग्रे एरिया में सर। थैंक यू, थैंक यू सर। अभय जी आप कुछ, आप पिछली बार बहुत सवाल कर रहे थे, इस बार सवाल नहीं कर रहे सर। सर वेरी गुड इवनिंग, सर वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू सर, राजस्थान कैसा है? बहुत अच्छा सर, राजस्थान में गर्मी बहुत है सर। अरे तो सर आप वीडियो पे तो आइए, वीडियो पे तो आप दिखाई पड़े, गर्मी तो सर मैं आपको दिखूंगा ही नहीं क्योंकि मैं चारों तरफ ये पावर सप्लाई कट है सर। ओह मैं थोड़ा बाहर आ गया था तो सर। सबसे पहली चीज का मैं आपको दूसरी तीसरी बार सुनूंगा, बहुत अच्छा लगा है सर, क्योंकि एनवायरमेंट के बारे में जितनी जानकारियां दी है ये बहुत ही नॉलेजेबल चीजें है सर। दो तीन चीज मैं इस पर जोड़ना चाहूंगा सर, बताना चाहूंगा अपने तरफ से सर। अभी कुछ दिन पहले हम उन्होंने 20 पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेशन किया सर, तो पिछले साल जब सेलिब्रेशन किया था तो हमारे क्लाइंट ने बोला था पौधे लगाओ, और पौधे लगाओ तो उसका जो विरोध करने वाला पहला कैंडिडेट में ही था, ठीक किया बहुत विरोध किया और झंडा में ही अकेला उठाया था, बाकी सभी तो बाय धरने हो गए कि क्लाइंट से कौन क्या, क्लाइंट भी कौन है, 50% आपके HPCL है और 50% राजस्थान गवर्नमेंट है। सही बात। तो हमसे पूछा गया मिश्रा जी आप इतना ये पौधे लगाने में इतना हंगामा, तो बहुत अच्छी चीज है सर, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप ये बताइए इसका मेंटेनेंस करेगा कौन? सही बात। तो हम करेंगे, तो बहुत जगह के 800 पौधे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां मैं काम करता हूँ लगाए, एक महीने तक हमने मेंटेनेंस करके उसको जिंदा करके एक भी पौधा मरने नहीं दिया, मेंटेनेंस करके दिया। देने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट में जो था दिया, देने के बाद ये बोला गया कि सर अब आप अपना बाग बच्चे को संभालिए, ये आपके बच्चे हमने पैदा किए, हमने आपको दे दिया, आपने मांगा था हमने दे दिया तो हंसी मजाक में तो ये घटना भी घट गई। जब मैं 4 महीने बाद वहां पे गया देखने को तो इट्स वेरी थिंग्स मधे कि मैं क्या बोलूं, 800 में से नॉट ए सिंगल प्लांट वाज देयर सर, सही बात है, नॉट ए सिंगल। फिर जब मीटिंग हुई
तो मैं मीटिंग में 2 महीना गया नहीं, मतलब कि प्रत्येक 15 दिन पे एक बार होता है, तो आवाज उठी भाई मिश्रा जी नहीं आए। तो मैं गया सर मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं एक शोषण किमनन के बीच में खड़ा हूँ। तो ये शोषण किमनन क्या होता है कि सोसाइटी के आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं आता। तो आपने तो बोला था 800 पौधे लगा दो, आपने एक भी पौधा जिंदा रख नहीं पाया, दिस इज द रॉन्ग थिंग। तो मैं ये मानता हूँ कि सर जिस सरकार की एक पॉलिसी ये भी बनानी चाहिए कि जिस तरीके से 5 साल का आप विकास का खाका तैयार करते हो उसी तरीके से उसका बैकअप करिए, आप क्या करते हो उसका खाका तैयार नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है आप जंगल काटने का खाका तैयार है, आज यहाँ कटेगा कल वहां कटेगा पौधे, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट कहाँ, वो खाका तैयार नहीं है सर। सही बात, खाका तैयार नहीं है, वो भी गवर्नमेंट को तैयार करनी चाहिए सर। आप सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किए तो ये बात आप रखेंगे कि प्रीवियस में ही उसका बैकअप के लिए रखनी चाहिए। और ये बिल्कुल करेंगे सर, ऐसा कोई मौका अगर लगता है तो जरूर करेंगे, बिल्कुल। तो इस पॉइंट को याद में रखिएगा सर। और दूसरी चीज है सर, आपको देखिए याद है तभी तो आपको मैंने आपका नाम लिया, बात किया जी सर। तो इस तरीके से अभी हम क्या करते हैं, पेड़ पौधा तो नहीं लगाते लेकिन हाँ उससे रिलेटेड स्कूल में जाना, कुछ फंक्शंस करना, स्टाफ को बताना, ये सब एक्टिविटी हम कर रहे हैं सर। अभी आप देखेंगे सर राजस्थान में गर्मी इतनी खतरनाक है, मन नहीं पूछे सर। यस्टरडे 1 बजे से पावर सप्लाई कट है, 10 मिनट के आगा 20 मिनट के आगा वापस जाएगा। मैं कल जुलाई या अगस्त में आऊंगा राजस्थान, वो ATI में मुझे बोलने के लिए संभवतः वो लोग बुलाने वाले लोग हैं। तो कहाँ पे सर? ATI जयपुर। अच्छा जयपुर आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ना हम लोग जाते हैं वहाँ पर। अभी तो अभी जा रहा हूँ झारखंड, वहाँ पे जाना है धनबाद, वहाँ पे एक क्लाइमेट चेंज के लिए बुलाया लोगों ने। तो सर अभी हाँ सर कुछ पूछना चाह रहे थे सर, जा सर। नहीं पूछना नहीं चाह रहा था, कुछ वही कमेंट है। आपने जो कहा है वो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, तो मैं क्लास के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने डेफिनेशन खोजना चाहा, तो सारी बातों के साथ ये था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे वो खाली ही जमीन क्यों ना हो, यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको नोटिफाई किए हुए है तो वो फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। हाँ ये भी मैंने देखा था, मुझे बड़ा अजीबो गरीब लगा। उसके बाद आपने और सारी बातें की हैं, वो जो हमारा लंग है पृथ्वी का अमेजन फॉरेस्ट उसकी भी आपने चर्चा की है। बोल्सोनारो जब वहाँ थे किसी के कहने पर कुछ सुन नहीं रहे थे, लुला डा सिल्वा को उन्होंने जेल में डाला और लोग अप्रिहेंड कर रहे थे कि वो जाएंगे इलेक्शन में और वो गए, तो स्थिति जो जहाँ थी उसके बाद सुधरी, तो ये तो हुआ कम से कम। पब्लिक का जो विल है वो किन बातों के साथ रहता है इसका तो वहाँ उदाहरण मिला। अभी बायोडाइवर्सिटी की भी चर्चा आप कर रहे थे, जो बहुत सारे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं अभी तक, तो मैं ये बताऊं जो चाइना का जो फर्स्ट नोबेल प्राइज था साइंस का वो महिला थी टू यू यू उसको मिला था, और उसने हजारों प्लांट्स की स्क्रीनिंग करके बाद में ये आपको मलेरिया की दवा निकाली आर्टेमिसिया से और उसकी जो खोज हुई थी उसके दशकों बाद उसको नोबेल प्राइज मिला इसके। तो बहुत सारे प्लांट्स अनएक्सप्लोर्ड हैं और यूं ही समाप्त हो जाएंगे, तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण वो टू यू यू वाला है। अभी और भी सारी बातें आपने की हैं लेकिन ये बक्सवाहा और नियमगिरी दो उदाहरण में देना चाहूंगा। बक्सवाहा में जो डायमंड माइनिंग के लिए सरकार एकदम ठीक हम कराएंगे ही इसको, लेकिन वहाँ इतना फायर्स पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ जो तो अभी तो अब तो अभी तक तो वो पेंडिंग है, तो लेकिन जो पब्लिक प्रोटेस्ट था मुझे तो ये लगता है कि ये सरकार अन्य बातों में पब्लिक सेंटिमेंट के साथ खड़ी दिखती है, लेकिन ये जहाँ तक जंगल का मामला है पर्यावरण रक्षा का जहाँ तक मामला है उसमें क्या हो जाता है इसको कुछ समझ में नहीं आता। तो लेकिन अभी अंडमान एंड निकोबार वाली बात हुई और भी बातें उसके साथ आई, मैं नहीं समझता हूँ कि अभी आप देखिए यूक्रेन का जो उदाहरण है चाइना उसको हड़प लेगा, नहीं कह सकते इस बात को, इस पर कमेंट करना पर कहां तक सही होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि आज की दुनिया में वो अब ऐसे हिम्मत कर सकता है। तो उसके नाम
उसके नाम पर अंडमान निकोबार के साथ ये करना इस तरह का कहां तक उचित होगा? हम समझते हैं कि हम बुद्धिजीवियों को भी इसका बहुत जबरदस्त विरोध करना चाहिए, क्योंकि सही बात है कि वो जो मैंग्रोव प्लांट नहीं रहेंगे और 2004 के सुनामी की आपने चर्चा की, ये सब रेकर करेगा, सब फिर से होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। आपने बहुत ही बढ़िया ये आपका सारा प्रोग्राम रहा। जब हम ये कहते हैं कि हम पेड़ लगा दें, तो पेड़ के विषय में कहा जाता है कि यू कैन प्लांट ए ट्री बट यू कैन नॉट रेज ए फॉरेस्ट। ये सारा का सारा एक्सरसाइज अभी उन्होंने कहा ही हर्ष जी ने कि 200 प्लांट में एक भी नहीं बचा, 800 प्लांट में एक भी नहीं बचा। तो यही तो स्थिति है, कितने हम उसके प्रति ईमानदार हैं, पूरा सिस्टम हमारा कितना ईमानदार है, इसकी ये बानगी है। लेकिन चलिए, जीना तो इसी दुनिया में है, जीना तो फिर इसी दुनिया में है, दुनिया छोड़ के हम कहाँ भागे। तो ये जो डिस्कशन हुआ, आपको आपका जो ये डिस्कोर्स है काफी फ्रूटफुल हुआ, बहुत बहुत बधाई। अच्छा सर, उमर सर कर लिए एक फॉरेस्ट और जी। और ये जो जो एक नेत्र हार्ट स्कूल है वो भी बड़ा नामी है सर, उसने बड़े बड़े स्कॉलर्स दिए हैं। क्या सर, क्या 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 सर? हार्ट स्कूल सर एक है बिहार में, अब तो झारखंड में नेत्र हार्ट। अमिताभ जी थोड़ा बंद कर लीजिएगा, आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। स्कूल है सर जिसका नेत्र हार्ट। अरे नेत्र हार्ट को तो मैं स्कॉलर, अरे मैं प्रणाम करता हूँ। नेत्र हार्ट हमारे समय का एक ऐसा स्कूल था जिसमें पढ़ना गर्व की बात होती थी सर, गर्व की बात होती थी। ये खान साहब वहाँ पढ़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, खान साहब भी हैं। और सर दूसरी बात ये कि हमारे हमारे यूपी में अलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। अरे वो तो है, तो आप जानते ही हैं सर उसको। अरे अलाहाबाद अलाहाबाद ने सर दो प्रधानमंत्री दिए हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अलाहाबाद में भी जो वाइस चांसलर है एन झा, वहाँ पे हॉस्टल है। अरे गजब गजब, उन बहुत बड़े नागेश जहाज भी कुछ कहना चाहते हैं, मुझे यही कहना। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी मतलब जब हम लोग एमएससी में थे तो कुछ एक जगहों से आईएएस लोगों की मतलब अंबार लगता था। पटना साइंस कॉलेज से लोग आईएएस आते थे, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लोग आईएएस आते थे। उस समय दिल्ली नहीं होता था सेंटर, दिल्ली बाद में बना, लेकिन ये छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज सेंटर्स थे जहाँ से आईएएस आईपीएस आईपीएस ज्यादा आते थे। सर हमारे यूपी में सबसे ज्यादा आईएएस जो है बिहार से है, बिहार कार्डर का जो बिहार से आए हुए यूपी में इतने आईएएस हैं, किसी और प्रांत से नहीं आए हैं, लेकिन बिहार में सबसे खराब हालत है। अरे सर हम लोग, हम भी बिहार के हैं, तो हमारा तो मतलब हम लोग जब बच्चे रहते थे तो फ्यूडल स्टेट था, बड़े गरीबी में पले बड़े, देखते थे कि भाई डीएम साहब नीली हरी बत्ती लाल बत्ती लगा के चल रहे हैं, क्या रुतबा होता था। तो उन सबों को देख के समझते थे कि भाई यही एक है जीवन जो कि आपको चैलेंजेस देता है, काफ़ी सुख सुविधा भी देता है। तो यही सोच कर फिर नौकरी भी तैयारी करते थे, पढ़ते थे, आते थे। एक प्रेरणा स्रोत आप जैसे लोग होते थे कि आपको देख के फिर नौकरी की तैयारी की जाए, ऐसे ऐसा ही बना जाए, यही होता। आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, आप प्लानिंग कमीशन में भी रह चुके हैं सर। हाँ सर, मैं वहाँ पे डायरेक्टर रहा, और मेरे बॉस आपको हर्षवर्धन जी को शायद बताऊं, उनको मेरे विमल जलाल मेरे बॉस डायरेक्ट बॉस होते थे। अमिताभ जी थोड़ा बंद कर दीजिएगा, म्यूट करिएगा। तो विमल जलाल मेरे बॉस होते थे, डॉक्टर इज्जत कासिफ जो कि एंटार्क्टिका जाने वाले पहले व्यक्ति थे इंडियन, वो हमारे इमीडिएट बॉस रहे। और फिर कुछ समय के लिए बड़े नामी गिरामी लोग रहे हमारे साथ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और गजब थे सर, बहुत मतलब ऐसे विद्वान लोग, गुरु की कृपा होती है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं। नहीं सर बिल्कुल, काजी जो आप बता रहे हैं वो जो जो हमारे एंटार्क्टिका में जो मिशन गया था उसमें वो हाँ उसे कैप्टन थे सर, उसके उसके ही लेड द मिशन, डॉक्टर एजेंट डॉक्टर एजेट कासिम सैयद जहूर कासिम। जालान वाज द गवर्नर रिजर्व बैंक आल्सो। हां बिल्कुल बिल्कुल, और काफी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू सर। हां सर बिल्कुल, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा सर उनसे। वो ऐसे ऐसे लोग थे कि वही तो कहते, मेरे पिताजी कहते थे कि अच्छे लोगों के साथ अगर रहोगे तो बहुत कुछ अच्छा सीखोगे, तो ये बात है। आप पल्लव जी नहीं आए क्या? पल्लव जी नहीं। अच्छा एक जानकारी लेना था हमको, ये हांगकांग का
मतलब चाइना के साथ 100 बरस का लीज था ना। हाँ खत्म हो गया वो तो, अब तो अब चाइना है हांगकांग है बिकम अ पार्ट ऑफ चाइना। तो शुरुआत में कैसा वो फ्री क्यों नहीं हुआ है? मतलब वो फिर लीज खत्म हो गया तो हांगकांग फ्री क्यों नहीं हुआ? हांगकांग फ्री कैसे होगा, दैट वाज पार्ट ऑफ चाइना। वो बहुत पहले वो उसको लीज पे यूके को दिया हुआ था वहां पे, तो कैसे फ्री हो जाएगा? और चाइना क्यों फ्री करेगा? चाइना सर ऐसा है आपको मैं बता दूं, चाइना एक ऐसा इतना स्ट्रांग कंट्री बन के उभरा है, इतना स्ट्रांग कंट्री बन के उभरा है, और आज की तारीख में अगर आप जियो पॉलिटिकल प्लेसमेंट देखें तो चाइना सारे रोग कंट्री, ऐसे कंट्री जो कि जो डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे पुतिन है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, इस तरह सारा एक अलाइन कर एक साथ कर गए वो। तब फिर हम लोग टिबेट को फ्री होने का सपना कैसे देख रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ये सब देखिए सर, ना आपको तिब्बत मिल रहा है ना पीओके मिल रहा, कहीं नहीं कोई मिलने वाला। आज आपको पीओके में 300 बैलिस्टिक मिसाइल चाइना ने लगा रखे हैं, 300। आज स्थिति हमारी ये है कि चाइना का नाम हम नहीं ले सकते ओपनली। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका हमको इस्तेमाल कर रहा, अमेरिका देखिए क्या स्थिति है कि अभी वो सऊदी अरेबिया से उसका 2-3 दिनों में पढ़िएगा एक बहुत अच्छा ट्रीटी, आप थोड़ा बंद कर ले आवाज आ जाएगी, आवाज आ रही है। सऊदी अरेबिया के साथ उनका एक ट्रीटी आने वाला, वो ट्रीटी ही अमेरिका ने इस वजह से किया है क्योंकि ऑलरेडी यूएसएसआर के साथ रशिया के साथ और पाकिस्तान के साथ था। अब उस ट्रीटी में बहुत सारे इश्यूज होंगे, उस ट्रीटी में एक बिंदु यह भी है कि सऊदी अरेबिया बीइंग द लार्जेस्ट कंट्री वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे ही इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज इसराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जब इसराइल वो एक अपना एक्सिस बनाना चाहता है अमेरिका, कि अमेरिका है साथ में आपके अरब वर्ल्ड है, इंडिया है और पाकिस्तान चाइना के साथ। अब वो लड़ाई ये हो रहा है कि आपको 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 वो बोलता है कि आप पैसे लो। अब पैसे लेने के लिए आपको ये भी सुनकर आश्चर्य होगा कि ये कहीं पे खबर नहीं है लेकिन अमेरिका के इंटेलिजेंस के लोग इंडिया में वो अब रहने लग गए, पेपर में कहीं बेस नहीं है आर्मी का, बहुत बड़ा हल्ला हो जाएगा। लेकिन अब इंटेलिजेंस ऑपरेट करता है, उनकी एक ट्रीटी इंडिया के साथ हुई हुई है। अभी इसी कारण से अगर आप देखिएगा कनाडा में और अमेरिका में जो दो सिख, एक कनाडा वाले को तो मारा निजर को, यहाँ पे यूएस वाले में यूएस ने टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड और तब जाकर गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि नहीं ठीक है हम इसकी जांच करवाएंगे। आप किसी भी कंट्री में जाकर मार नहीं सकते। अभी जो चल रहा है ना, एक बहुत अच्छा उदाहरण चल रहा है कि पाकिस्तान में घुस के इंडिया वाले मार रहे, करीब 22-23 ऐसे लोगों को मारा है। लेकिन आप ये मानकर चलिए अफगानिस्तान इज ए टेररिस्ट कंट्री, रोग कंट्री, उनके सारे ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट अफगानिस्तान में आ गए, ये स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से। क्योंकि पाकिस्तान को आप ये नहीं कह सकते कि टेररिस्ट को स्पॉन्सर कर रहा है, पाकिस्तान का रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ खराब है, आपका कोई एम्बेसी नहीं है अफगानिस्तान में। अब स्थिति वहां पर यह हो रही है, मैं आपको बता दूं कि कल को यही डीप स्टेट इंडियन लोगों को मारना शुरू करेगा। ये बहुत खतरनाक खेल हम लोग खेल रहे हैं, विच शुड नॉट बी डन। आज तक इंडिया कभी भी इसका ये ऐसा नहीं कर रहा था। कौन हो, हमें ही मार के चला जाए, आपको मार के चला जाए, पता ही नहीं चलेगा। और सब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती है। ठीक है सर, ये तो कभी आप मुझे मौका दीजिएगा तो ये तो इसका मतलब कि ये जो 95,000 एकड़ जमीन चाइना कैप्चर किया है वो भी लेना मुश्किल ही है। सवाल ही नहीं सर, अब उसका छोड़ दीजिए। गलवन, अभी जो गलवन में जमीन करीब 4,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पाकिस्तान चाइना के पास है, आप वो भी नहीं ले पाएंगे। अच्छा। एक शर्त पे ले सकते हैं, जब आपका एक्सिस अमेरिका के साथ हटेगा आप चाइना के साथ आ जाए, चाइना के साथ नेचुरल अलायंस आपका होगा और नेचुरली हम अलायंस हैं चाइना के, कायदे से अगर देखा जाए तो नेचुरल अलायंस हमारे चाइना के साथ है। अगर है तब आपको आपके साथ तो बहुत रियायत देगा। चलिए चलिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं और
किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना हो तो सर पूछें, अदरवाइज लेट अस कॉल इट अ डे, 9 बजने वाले। प्रसाद साहब हैं या चले गए? उन्होंने हैंड रेज किया था, प्रसाद साहब। अच्छा ठीक है, तब अब हम लोग चाहेंगे अपने चंद्रेश्वर खान साहब से अमृतवाणी, 9 बज गया है। चंद्रेश्वर खान साहब जी, प्रसाद साहब ने हैंड रेज किया था बहुत पहले से। बहुत तो, बहुत धन्यवाद। उमा शंकर साहब को जितना धन्यवाद दें डॉक्टर उमा शंकर सिंह को, वो धन्यवाद कम है। और उनको जो मैं आज धन्यवाद दे रहा हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिंगापुर बन गया होता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बचाया, तो पर्यावरण को शुद्ध करने में उस अमर आत्मा की जो देन रही उसको डॉक्टर उमा शंकर सिंह साहब ने तरुण ताजा किया। इट वॉज ऑलरेडी प्लान दैट ब्रिटिश आर गोइंग, और वो अपना बसेरा वहां एक बना करके, एंड दैट्स हाउ इट ए वेरी वेरी प्लान मैनर द अटैक वॉज डन फ्रॉम दैट। ये कंट्रोवर्सी का भी हो सकता है, लेकिन अभी जब मैं बहुत दक्षित होकर के उमा शंकर साहब को सुन रहा हूं, सुनता हूं, जीवन के नाम पर हम जीवन को नाश कर रहे हैं। और मैं दोहराऊंगा कि जीवन में बन लगा हुआ है, लेकिन न बन का कोई सोचता है न जीवन का कोई सोचता है, सिर्फ नारे लगते हैं। इफ वी विल जस्ट स्लोगनाइज एंड पोस्टराइज द थिंग्स लाइक लाइफ एंड फॉरेस्ट, वी विल ट्रिवलाइज इट। What is needed, how soon we realize that our life is dependent on something, and how do we converse and do the justice with the interdependence. Kudos and congratulations to Dr. Singh for raising the issues. He has got the acumen, he has got the talent, he has got the information, and above all, he has got the inner and outer courage. Dr. Singh, I salute to your goodness, and God keep you fit so that you can save the civilization. Thank you so much, and God bless you. Thank you, sir. Thank you. So nice of you. Thank you, sir. Thank you. बहुत अच्छा लगा, और हम डॉक्टर सिंह को अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि वो अपने जागृत और पॉजिटिव भावना से कुछ दुनिया में बदलाव लाने का चेष्टा करेंगे, और जैसे जैसे गाइड करेंगे हम सब उनके साथ रह करके एकजुट हो करके इम्प्लीमेंटेशन पर ट्राई करेंगे, जो हर बार हम लोग एक बार प्लान बनाते हैं और कैसे, जैसे उन्होंने कई जगह मंत्रियों को चिट्ठी लिखा, वैसे हम लोग अपने संस्थान से भी चिट्ठी लिख करके सबको जागृत करके और चीज को इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, लोगों को लाभ महसूस होगा तो वो हम लोगों के भावना की कदर करेंगे, नहीं तो ये हम लोगों का जितना भी वेबिनार में डिस्कशन होता है एक्टिव रूप नहीं देने से निष्क्रिय हो जाएगा। अभय कृष्णन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उमेश जोशी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नागेश झा जी बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर विद्यानाथ झा जी ऐसे इंटरनेशनल विद्वान हमारे बीच में आते हैं, हम लोग का उत्साह बढ़ाते हैं। हर्ष जी जैसे हमारे इकोनॉमिस्ट मेरे सामने आते हैं, चंद्रेश्वर खान जैसे प्रचंड विद्वान हमारे साथ हैं, प्रसाद साहब ऐसे लोग आए, स्वर्णजीत सिंह भी आए थे 2 मिनट के लिए फिर चले गए, जितने भी लोग आते हैं, विनय शुक्ला जी आपको बहुत धन्यवाद, आप तुरंत अपना एक्टिव काम दिखा देते हैं और रिकॉर्डिंग आ जाता है। हम सभी के आभारी हैं कि हम लोग नॉलेज शेयरिंग तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं, अब सेकंड स्टेज के बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देंगे। इलेक्शन खत्म हो चुका, अब हम लोग
सक्रिय रूप से इसको लोगों को लिख करके अपने अपने प्लान बताएंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में सेंटर की सहायता मांगेंगे। इसी शुभकामना के साथ अगले सप्ताह फिर हम लोग एक नई मतलब नए विषय पर हम लोग करेंगे और सरकार डॉक्टर उमा शंकर जी का हम इंडस वैली पर भी सुनना चाहेंगे। हमारे भैया ने उस पर बहुत सा रिसर्च किया था और उसकी लिपि भी हम लोगों ने सीख ली थी। ये हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खान साहब को प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम को प्रणाम 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 सर। अभी बात कर ले, बंद कर लें। आ रहे हैं।